प्रभु दया करो मुझ पर कि आज का वचन मैं समझ पाऊँ, आपका वचन मैं जीवन में अमल में ला पाऊँ। आपके वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करो, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करो। सीरियसली मांगे प्यारो, अगर आप गंभीरता से नहीं मांगोगे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आप सीखना चूक जाओगे। आज प्रभु से कहे, प्रभु मुझे आज आपकी बातों को सिखाओ, आपके दास को अनुग्रह दो आपकी बातों को सिखाने के लिए। ऐसे भेद होते प्यारो जो अगर पवित्र आत्मा रिवील ना करे तो हम उसे नहीं ग्रहण कर पाते। पवित्र आत्मा अगर मेरी सहायता ना करे तो नाम है और हम प्रभु के दास आपको सिखा सकते हैं, और पवित्र आत्मा अगर हमारी सहाय ना करे तो नाम आप समझ पाओगे प्यारो। अनुग्रह मांगे, कहिए प्रभु अनुग्रह, ग्रेस 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 ग्रेस, अन्य भाषा का दान, अन्य भाषा में दुआ करे। कहिए प्रभु से, मांगे प्रभु से पवित्र आत्मा आपकी सहायता, पवित्र आत्मा आपकी सहायता, पवित्र आत्मा आपकी सहायता, पवित्र आत्मा आपका अनुग्रह मुझ पर हो ताकि आज के वचन को मैं सीख पाऊँ, समझ पाऊँ, ग्रहण कर पाऊँ। लापरवाह ना रहूँ, बेध्यान ना रहूँ, चूक न जाऊँ। यीशु मसीह के नाम से मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे समझ दीजिए, मैं इसे समझ पाऊँ, ऐसा अनुग्रह मुझ पर होने दीजिए, अनुग्रह होने दीजिए, अनुग्रह होने दीजिए। अरे बाबा बारा ला पारियो खो रो लो मैंने में शेरियो को थोरो लो बोरे पे रिबा माना मा शेखेरियो थोरो लो बोरे पे रिब्रा नामरा ला बा शेरियो नोरो लो बो शेखारा ला बारा बा। हर एक दुष्ट आत्माओं के कामों को जो आज के इस वचन के समय के विरुद्ध है उसको हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बांधते हैं, उसे हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तोड़ते हैं, उसे हम यीशु मसीह के नाम से निष्फल करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज यहाँ पर पूरी फ्रीडम जाहिर करते पाक रूप के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, ताकि वे जो हमें सिखाना चाहते वो हम सीख पाए, वो हम समझ पाए, वो हम जीवन में अमल में ला पाए। यीशु मसीह के नाम से पाक रूप पवित्र आत्मा आप हमारे आगे आपके भेदों को, वचन के भेदों को खोल कर रखिए, वचन के रिविलेशन दीजिए, प्रकटीकरण दीजिए, प्रकाश दीजिए, भेदों को खोलिए, ताकि वो भेदों को जानने के द्वारा, वो सत्य को जानने के द्वारा हम फ्री किए जाए। यीशु मसीह के नाम में हम छुटकारा पाए, यीशु मसीह के नाम में आशीषों के द्वार जो आज तक बंद है वो खुल जाए, शैतान के कामों को जाने और आज उसे डिस्ट्रॉय किया जाए, आज उसे निष्फल किया जाए, आज उसे थोड़ा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन की सामर्थ आज यहां पर जाहिर हो जाए, वचन की सामर्थ आज हमारे जीवनों में काम करे। पाक रूह आप हमें वचन को समझने का अनुग्रह दीजिए, मुझे समझाने का अनुग्रह दीजिए, यीशु 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 मसीह के सामर्थ्य नाम में, सामर्थ्य नाम में। डिस्टर्बेंस लाने वाली दुष्ट आत्माओं के ऊपर फायर बोलते हैं, फायर बोलते हैं, फायर बोलते हैं। ध्यान बेध्यान करवाने वाली दुष्ट आत्माओं के ऊपर फायर बोलते हैं। शारीरिक कोई भी कमजोरी में कोई भी बैठा है, कोई भी चिंता है उसके दिमाग में, यीशु मसीह के नाम में वो लाने वाली दुष्ट आत्मा थोरो 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 यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हर एक मन को, हृदय को, विचारों को परमेश्वर की हम अधीनता में लाते हैं यीशु मसीह के नाम में, वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हमारी दुआ है प्यारे पिता, हमारी इस दुआ को आप कबूल करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया हालेलुया। मिनिस्ट्री के इतने सालों में प्यारों हम कई लोगों को मिले हैं, जिनको जब हम मिले उन्होंने बहुत अजीब सी लगने वाली बात हमें कही, लोगों के लिए अजीब हो सकती है लेकिन कुछ प्रभु के दास वो समझ पाएंगे उनकी समस्या, उनकी तकलीफ। उन्होंने आकर बोला कि हमें ड्रीम में सांप दिखते हैं और सांप दस्ता हो, सांप पीछे पड़ा हो, सांप ने जैसे कुंडली मार ली हो, ऐसा हमें ड्रीम में दिखाई दिया। और वो बहुत ही डरे हुए थे और वो अनुभव के बाद उन्होंने कन्फेस किया, या तो उनकी जॉब छूट गई, या तो वो बीमार हो गए, या तो उनके परिवार में झगड़े हुए। एक बहन हमें याद है शुरुआत के समय में आते थे, बोल रहे थे कि
पास्टर मुझे घर में हर समय सांप दिखाई देते, चलते फिरते उठते बैठते जहां मैं देखूं मुझे सांप दिखाई देते हैं। क्या ये लोग साइकिक है? क्या इन्हें कोई मानसिक समस्या थी? ना प्यारो, कुछ लोग इन बातों को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचनों में हर एक बातों का हल है। हालेलुया। ये सारी आत्मा की बातें, स्पिरिचुअल बातें हैं, वो मन से, दिमाग से, बुद्धि से, लॉजिक से सुलझाई नहीं जाती, ना ही उसे टैकल किया जाता है। ऐसे लोगों को प्रभु ने डिलीवर किया, छुड़ाया, आजाद किया, और फिर से वे लोग ब्लेस हुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन वो समय जरूरी था कि उनकी तकलीफ को, उनकी समस्याओं को समझा जाए, उनकी तकलीफ क्या है उसे प्रॉपर रीति से समझकर उस हिसाब से उसे आत्मिक क्षेत्र में हैंडल किया जाए, उस पर काम किया जाए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने उनको छुड़ाया। प्यारों, आप अगर देखो तो उत्पत्ति की किताब में आदम और हवा एदन बाग में, एदन वाटिका में रहते थे, खुशहाल जीवन था, सब कुछ उनके पास था, ऐसा कुछ नहीं था जो उनके पास ना हो, मजे की लाइफ थी। वो मजे की लाइफ सिर्फ एक ही घटना के कारण बिगड़ गई, सांप से मुलाकात। सांप मतलब वो एनिमल की बात मैं नहीं कर रहा, प्राणी की बात नहीं कर रहा जो जू में होता है। सांप मतलब सांप के रूप में आने वाली दुष्ट आत्मा, और उसके विषय में प्यारों हम आज सीखना चाहते हैं, स्प्रिट ऑफ पाइथन, अजगर की दुष्ट आत्मा। और आदम और हवा खुशहाली से जीवन जीते थे, सिर्फ एक ही घटना, सांप से मुलाकात। सांप आया, उनको बहकाया। सांप वो एनिमल जो जू में होता है वो नहीं था, वो एक्चुअली रूप सांप का था, अंदर थी दुष्ट आत्मा, अंदर था शैतान जो सांप का रूप लिए हुए आया था, सांप के रूप में आई हुई दुष्ट आत्मा। उसके साथ की मुलाकात के बाद आदम और हवा का पूरा जीवन बर्बाद हो गया, उनको एदम वाटिका से बाहर निकाल दिया गया, परमेश्वर के साथ का रिश्ता टूट गया, सब कुछ उनका छीन गया, सिर्फ एक ही ये घटना के बाद, सांप के साथ की मुलाकात के बाद। प्यारो, एक ऐसी स्पिरिट है, एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो सांप के जैसे ही काम करती है, उसे बोलते हैं द स्पिरिट ऑफ पाइथन, या तो अजगर की दुष्ट आत्मा है। सांप अजगर सब भाई बहन जैसे, थोड़ा थोड़ा फर्क है, फिर कोई बार प्रभु ने चाहा तो दूसरी इस बात में हम बातों को सिखाएंगे, लेकिन आज स्पेसिफिकली सांप में भी अजगर की दुष्ट आत्मा के विषय में प्यारो हम आपको बताना चाहते हैं। आपको लगेगा अजगर की दुष्ट आत्मा और मेरा क्या नाता रिश्ता, ये और मेरे जीवन में जो दुख है, परेशानियां है, उसमें क्या नाता रिश्ता। थोड़े ही समय में प्रभु आपके आगे कुछ बातें प्यारो ऐसी रिवील करेगा, आपको सब नाते रिश्ते जुड़ते हुए दिखाई देंगे। आज हम सीखेंगे ये दुष्ट आत्मा, स्पिरिट ऑफ पाइथन, अजगर की दुष्ट आत्मा कैसे काम करती है, वो हमारे जीवन में कैसे एंटर हो सकती है, या तो हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डाल सकती है। क्या आज आप यहां बैठे हो, आपके जीवन के कोई भी क्षेत्र में ये अजगर की दुष्ट आत्मा, इविल स्पिरिट आपके जीवन में काम कर रही है? अगर कर रही है तो मैं कैसे उसे आइडेंटिफाई कर सकूं, मैं कैसे उसे जान सकूं, मैं कैसे उसे पहचान सकूं, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, क्या ऐसा मुझे दिखाई देगा कि मुझे पता लग जाए कि मेरे जीवन में किसी जगह ये अजगर की दुष्ट आत्मा, स्पिरिट ऑफ पाइथन कार्यरत है। ये बातों को आज हम सीखना चाहते हैं, और आखिर में हम सीखेंगे कि उससे छुटकारा हमें कैसे पाना है। हालेलुया, हालेलुया।
आइए हम वचन से पहले देखें क्या वचन में ये बातें लिखी है। अगर वचन में लिखा है तो हमें इस पर गौर फरमाना चाहिए। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय और 16वीं आज से हम पढ़ना चाहते हैं। प्रेरितों के काम 16 और 16वीं आज से यहां पौलुस और प्रभु के दास जब प्रार्थना करने जा रहे थे तब कुछ घटना होती है। आए ध्यान से पढ़े इसे। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। कौन सी आत्मा थी? भावी कहने वाली आत्मा। ये स्पिरिट वर्ल्ड है प्यारो। कुछ लोग मानते हैं ये दुष्ट आत्मा, शैतान, इविल स्पिरिट, ये सब कुछ नहीं होता। ये है, बाइबल इसकी इसका प्रूफ देता है और हमने जो अनुभव किया है वो गवाह है प्यारो। ये स्पिरिट वर्ल्ड उतना ही वास्तविक है जितना ही हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। यहां पर बाइबल में लिखा है, यहां पर एक ऐसी दासी थी जिसके अंदर भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी। और क्या करती थी वो? और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो भावी कहती थी, भविष्य कहती थी, और भविष्य कहने के द्वारा वो अपने स्वामियों को, क्योंकि ये गुलाम थी जो बहन थी वो, और उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो भावी कहने के द्वारा ये स्त्री के जरिए उसके स्वामियों की, उसके जो सेठ थे, उसके जो अधिकारी थे, उसका फायदा करवाती थी। और फिर क्या होता है, वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा। किससे कहा? उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। यहां जो शब्द लिखा है, जो वो दासी के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, वो कौन सी दुष्ट आत्मा थी? वो कौन सी दुष्ट आत्मा थी? भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा। इंग्लिश में हम इसे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा प्यारो। इंग्लिश में लिखा है, एंड इट came to pass as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination. यहां पर लिखा है spirit of divination। हिंदी में क्या लिखा है? भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा। डिविनेशन का मतलब भी यही होता है, फॉर्चून टेलर, या तो भावी बताने वाला। ये एक दासी थी जिसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी जो भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी। ऐसा इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, ऐसा हिंदी में ट्रांसलेशन है, लेकिन एक्चुअल ग्रीक जो भाषा में ये बाइबल लिखा गया वहां कुछ शब्द और लिखा गया है। वहां ना ही फॉर्चून टेलिंग के विषय में लिखा गया है, ना ही भावी बताने वाली दुष्ट आत्मा के विषय में लिखा गया है। वहां स्पेसिफिक शब्द यूज किया गया है, स्प्रिट ऑफ पाइथन, अजगर की दुष्ट आत्मा। ओरिजिनल लैंग्वेज, जहां बाइबल जो लैंग्वेज में लिखा गया है, ग्रीक लैंग्वेज में, वहां ये भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा के बदले कौन सा मूल शब्द है? पाइथन की स्प्रिट, अजगर की दुष्ट आत्मा। अब जो ट्रांसलेशन करने बैठे उन्होंने इसे डाइल्यूट कर दिया, उन्होंने भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा करके इसे ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन ओरिजिनल मूल भाषा में, ग्रीक भाषा में जो शब्द है वो है अजगर की दुष्ट आत्मा, या तो स्प्रिट ऑफ पाइथन प्यारो। आज हम देखना चाहते प्यारो, बाइबल में इसके विषय में उल्लेख किया गया है। पौलुस जब जा रहा था वहां एक दासी को उसने देखा जिसके अंदर ये स्प्रिट ऑफ पाइथन था, अजगर की दुष्ट आत्मा थी। बाइबल में इसके विषय में लिखा गया है तो यूं ही नहीं लिखा गया, इसे हमें जानना जरूरी है। ये क्या करता है, कैसे काम करता है स्प्रिट ऑफ पाइथन, अजगर की दुष्ट आत्मा? क्या कहीं मेरे जीवन में ये काम तो नहीं कर रही ने? स्प्रिट कभी मरते नहीं है,
आत्माएं कभी मरती नहीं है, वो समय भी काम कर रही थी, आज भी काम कर रही है, ये हमें समझना है प्यारो। आज भी कहीं ना कहीं ये स्पिरिट ऑफ पाइथन अजगर की दुष्ट आत्मा कार्यरत है, अभी आपको पता चल जाएगा जब इसके विषय में हम जानेंगे तब। आज इसे हमें आइडेंटिफाई करना, इसे पहचानना है और उसे तोड़ना है, उसके कामों को तोड़ना है। आमेन। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है प्यारो। प्रभु ने क्यों लुका 10:19 में ऐसा लिखा, देखो मैंने सर्पों और बिच्छों को रौंदने का आपको अधिकार दिया है। क्यों ये स्पेसिफिक शब्द इस्तेमाल किया गया, सर्पों और बिच्छों को? ये सांप और बिच्छू मतलब जो जू में होते, जो एनिमल होते, उससे रौंदने की बात नहीं की गई। ये जो स्पेसिफिक स्प्रिट है, दुष्ट आत्मा है, जो सांप के रूप में है, सांप के जैसा जिसके गुण है, उसको रौंदने की बात करी गई। आमेन, हालेलुया। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छों को रौंदने का, लेकिन हमें हमारे जीवन में कहीं पर यह स्पिरिट काम करती दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमने इसके विषय में जाना नहीं, समझा नहीं। हम अनजान हैं, हम अंधेरे में, हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, हम इसे पहचान नहीं पा रहे। अधिकार मिला है सर्पों को रौंदने का, स्पिरिट ऑफ पाइथन को हराने का, कुचलने का, लेकिन उसे उपयोग में कैसे लेंगे जब तक उसे हम पहचानते ही नहीं, उससे हम हमारे जीवन में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि वो कहीं पर काम भी कर रही है। आज की तारीख में अधिकार है, लेकिन अधिकार का उपयोग कब करेंगे? जब हम उसे देखेंगे, उसे पहचानेंगे, उसे आइडेंटिफाई करेंगे, तब ना। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है शैतान की युक्तियों के विषय में हमें अंधेरे में नहीं रहना है। आमेन, हालेलुया। इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, इसके विषय में हम अवेयर बनेंगे, जागरूक बनेंगे और उसके कामों को भी तोड़ेंगे। आमेन, हालेलुया। तो ये दुष्ट आत्मा स्पिरिट ऑफ पाइथन कैसे काम करती है प्यारो, इसका काम क्या है, इसको समझने के लिए हमें पाइथन को समझना जरूरी। यहां तक आप मेरे साथ हो? यहां तक आपको समझ में आया? बाइबल में इसका जिक्र है। पौलुस और प्रभु के दास जा रहे थे, वो दासी के अंदर स्पिरिट ऑफ पाइथन था, अजगर की दुष्ट आत्मा थी। मतलब बाइबल इसके विषय में बता रहा है, तो इसमें हमें ध्यान देना जरूरी है। ये दुष्ट आत्मा कैसे काम करती है, उसे समझने के लिए ये जो रूप धारण करती है, उस रूप को हमें समझना जरूरी है। मतलब पाइथन को, अजगर को, वो जैसे काम करता है, बस सेम एज इट इज ये दुष्ट आत्मा काम करती है। जैसे पवित्र आत्मा को हम अलग अलग रूपक देते, अलग अलग रीति से हम उनको बताते। जैसे पवित्र आत्मा को जब रिप्रेजेंट करना हो, बताना हो, हम कहते कबूतर के समान उतरा। मतलब पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, कबूतर के समान, उनके अंदर कबूतर के जैसे सालसता, निखालसता, वो गुण है, उसके समान वे उतरे। पवित्र आत्मा आग के समान उतरे, मतलब आग के समान, जला देने वाली आग के समान उतरे। और जब यहां हम स्पिरिट ऑफ पाइथन के विषय में सीख रहे, मतलब वो अजगर के समान कुछ ढंग से काम करती है, तो हमें उससे समझने के लिए अजगर को समझना पड़ेगा। अजगर कैसे काम करता है, पाइथन कैसे काम करता है। पाइथन मतलब अजगर, वो सबसे लंबे लंबे स्नेक से, या तो सबसे उसकी लंबाई जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। आपको बताते रहना है जब भी मैं बोलूं तब, ओके। अजगर जो होते, सबसे ज्यादा लंबाई उसकी होती है। सबसे ज्यादा लंबाई वाला जो अजगर था वो 20 फीट का पाया गया है। कितना लंबा? 20 फीट का। मतलब ये जो दुष्ट आत्मा, अजगर की दुष्ट आत्मा है, वो छोटी मोटी दुष्ट आत्मा नहीं है, आलतू फालतू दुष्ट आत्मा नहीं है, ये बड़ी स्प्रिट है प्यारो। ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, इसके विषय में हमें अवेयर बनना है। आमेन, हालेलुया। वो पानी में भी अच्छे से तैर सकते हैं, जमीन पर भी अच्छे से रहते हैं। सबसे ताजुब की बात यह है, अजगर के अंदर जहर की ग्रंथि नहीं होती।
वो कभी भी अपने शिकार को जहर से नहीं मारता, काटने से नहीं मारता। तो कैसे वो शिकार करता है? जैसे अजगर शिकार करता है, वैसे ये स्पेसिफिक स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ पाइथन, अजगर की दुष्ट आत्मा भी वैसे ही काम करती है लोगों के जीवन में। अजगर कैसे शिकार करता है? पहला तो वो एक छलावरण उसके स्किन पर होता है, मतलब आप इजीली पहचान नहीं पाओगे। पिक्चर हो तो आप दिखा सकते, इसमें आपको दिख रहा है इजीली? दूर से आप पहचान नहीं पाओगे, अजगर दिख रहा है यहां पर। जैसा उसका बैकग्राउंड होता है, मान लो पत्ते हैं, मान लो रेती में वो बैठा है, मान लो झाड़ियों में बैठा है, आप उससे देख नहीं पाओगे इजीली, वो छिप जाएगा। वो छल करता है, छलावरण उसकी स्किन पर होता है, जैसा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से एकदम मैच कर जाता है। ये जो दुष्ट आत्मा स्प्रिट ऑफ पाइथन, अजगर की दुष्ट आत्मा बस वैसे ही काम करती है, वो छिप कर काम करती है। आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आप धोखे में रहोगे, वो वहां होगी, वो कहीं पर काम करती होगी, लेकिन आप देख नहीं पाओगे। ये इतनी कनिंग है, ये इतनी चालाक है ये दुष्ट आत्मा, आप उसे देख भी नहीं सकोगे, उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन आज प्रभु उसे खोलने जा रहे हैं। आमेन, आमेन। ये जो पाइथन होता है या तो अजगर होता है, वो अपने शिकार को कैसे मारता है? उसके पास जहर तो नहीं है, लेकिन ये छलावरण अपनी स्किन पर, ऐसा कलर जो बैकग्राउंड से मैच हो जाता है, ऐसा कलर अपनी स्किन पर रखता है, बैकग्राउंड से अपनी आसपास जो भी है उससे मैच हो जाता है, मतलब उससे देख नहीं पाता। और जब वो शिकार उसके पास आता है, एकदम से उसके ऊपर झपटता है और उसके आसपास कुंडली मनाना शुरू करता है, कुंडली मारना शुरू करता है। और कुंडली मारकर वो अपने शिकार को धीरे धीरे जकड़ता है। बोले जकड़ता है। अब देख रहे हो प्यारो, ये प्राणी को, इसको बचने का कोई उपाय ही नहीं छोड़ा। और ये अजगर इतना ताकतवर होता है, अच्छे खासे बड़े बड़े जानवर को भी वो कुंडली मार देता है। और वो एक बार कुंडली मार ली, फिर वो जानवर कितना भी बड़ा हो, इवन मनुष्य को उसने खा लिया आज तक, ऐसे किससे भी देखे गए। एक बार उसने कुंडली मार दी, फिर वो जानवर या तो वो शिकार उसके कुंडली से, उसकी जकड़न से छूट नहीं सकता। अभी भी वो शिकार मरा नहीं होता है, लेकिन उसने जकड़ लिया होता है। अब ध्यान से सुनिए ये क्या करता है। एक बार जकड़ने के बाद, जब वो शिकार सांस लेता है, सांस बाहर निकालता है, सांस लेता है, तब ये अपना शिकंजा और कसता जाता है। जैसे वो शिकार होता है, वो सांस निकालता है, वो और टाइट करता है अपनी जकड़न को, अपनी कुंडली को और ज्यादा जकड़ता है। जैसे ही सांस उसने निकाला, उसके शिकार ने, वो जो शिकार सांस निकालने के कारण थोड़ा भी सिकुड़ता है, वो और ज्यादा उसे जकड़ लेता है। वो फिर से थोड़ा सांस निकालेगा, वो फिर से जकड़ लेगा। एक समय आएगा, ये इतना ज्यादा जकड़ लेता है, वो जो शिकार होता है वो ब्रीद नहीं कर पाता, वो सांस नहीं ले पाता। ये डसने के कारण मारता नहीं अपने शिकार को, ये अपने शिकार को घुटन करवाने के द्वारा, उसकी सांस को रोक देने के द्वारा मारता है। इसका शिकार करने का तरीका है। वो वहां तक जकड़ता जाता है, वहां तक जकड़ता जाता है, वहां तक जकड़ता जाता है, तब तक वो जकड़ता जाता है अपनी कुंडली में अपने शिकार को, कि आखिर में उसका शिकार दम तोड़ लेता है, उसके पास जहर नहीं है। लेकिन इस तरह से वो अपने शिकार को मारता है, जकड़ता जाता है और टाइट जकड़ता जाता है। आखिर में उसका जो शिकार होता है वो इवन सांस तक नहीं ले पाता। और ये जो पाइथन की स्प्रिट होती है ऐसे ही काम करती है। वो अपने शिकार को जकड़ती जाती है जब तक उसका सांस ना चला जाए।
और बिब्लिकल लैंग्वेज में सांस क्या है, ब्रीथ क्या है? ब्रीथ मतलब होली स्पिरिट, ब्रीथ मतलब पवित्र आत्मा। योहन्ना की किताब में प्रभु का वचन कहता है, बाद में वो आयत को हम देखेंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्रभु यीशु ने अपने चेलों पर सांस फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। सांस को पवित्र आत्मा से कंपेयर किया गया है। ये स्पिरिट ऑफ पाइथन व्यक्ति को आत्मिक रीति से डेड बनाती है, वो उसको इतना जकड़ती है जकड़ती है जकड़ती है, आखिर में वो उसे पवित्र आत्मा से दूर कर देती है। जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में नहीं होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो डेड है। स्पिरिट ऑफ पाइथन अटैक करता है ब्रीथ पर, सांस पर, और हमारी सांस से होली स्पिरिट पवित्र आत्मा, और ये हमें पवित्र आत्मा से अलग करते 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 आखिर में आत्मिक रीति से मारना चाहता है। प्यारो धीरे धीरे जकड़ते जकड़ते आखिर में स्पिरिट अपने शिकार को सांस को रोक डालने के द्वारा मार लेती, फिर पूरा निगल जाती है। उसके अंदर इतने ज्यादा एसिड होते हैं, बड़े से बड़े जानवर को वो पचा डालती है, अच्छे खासा बड़ा जानवर भी इससे नहीं बचता। प्यारो इस तरह से प्यारो ये स्पिरिट अटैक करती है। हमें यही स्पिरिट जो दुष्ट आत्मा है उसके काम को अब और ज्यादा थोड़ा समझना है। प्यारो जैसे मैंने बताया ये जो पाइथन जैसे काम करता है, जैसे अजगर काम करता है, वैसे ही ये जो स्पेसिफिक स्पिरिट के विषय में हम सीख रहे हैं, अजगर की दुष्ट आत्मा वो भी काम करती है। ये कैसे मारता है अपने शिकार को, छलावरण धारण कर लेता है, उसकी स्किन मैच हो जाती है बैकग्राउंड से, शिकार को पता नहीं चलता, शिकार उसके करीब आता है वो उसके आसपास कुंडली मारना शुरू कर देता है, जकड़ना शुरू करता है, और जब तक उसकी सांस न चली जाए तब तक उसे जकड़ता है, और आखिर में उसकी डेथ हो जाती है, पूरा उसे निगल जाता है, पूरा उसे मार डालता है। ये स्पिरिट ऑफ पाइथन भी ऐसे ही काम करती है। यूहन्ना 20 और 22 जो आयत में बोल रहा था, आई फिर से हम पढ़े यूहन्ना 20 और 22, यूहन्ना 20 और 22, प्रभु यीशु ने क्या कहा था अपने चेलों को, यूहन्ना 20 और 22, यह कहकर उसने उन पर फूका। क्या कहा यीशु ने, यह कहकर यीशु ने क्या किया, उनके ऊपर फूंका। इंग्लिश में जो शब्द है वो ब्रीथ है, सांस फूंके, और फिर क्या कहा, और उन्हें कहा पवित्र आत्मा पाओ। उन्हें क्या कहा, पवित्र आत्मा पाओ। सांस मतलब पवित्र आत्मा। हमने आज सीखा प्यारो स्पिरिट ऑफ पाइथन अटैक कहां करती है, सांस पर। पवित्र आत्मा के साथ का आपका रिलेशन टूटे इसके लिए ये स्पिरिट ऑफ पाइथन, ये दुष्ट आत्मा आपके जीवन के पीछे पड़ी रहेगी। कैसे इसकी सांस को मैं छीन लूं, कैसे इसके जीवन से ब्रीद को जो यीशु ने उसके ऊपर फूका है वो सांस, वो पवित्र आत्मा कैसे इसके जीवन से मैं निकाल लूं, कैसे पवित्र आत्मा से इसे दूर ले जाऊं। बस यही ये दुष्ट आत्मा का टारगेट होता है। अब आपको धीरे धीरे लाइट होगी, इसे लाइटली मत लीजिए। अगर आप कहीं पर पवित्र आत्मा से दूर जा रहे हो इसका मतलब सीधा सीधा ये है, यू आर अंडर अटैक ऑफ दिस स्पेसिफिक स्पिरिट। ये स्पेसिफिक दुष्ट आत्मा के अटैक तले हो, ये आपके जीवन में काम कर रहा है। अगर आप बार बार पवित्र आत्मा को दुखी करते हो अपने कामों के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा प्रभु से दूर जाकर, इसका मतलब ये है ये स्पेसिफिक दुष्ट आत्मा को आपके पीछे लगाया गया है और उसने कुंडली मारना शुरू कर दिया है, वो कुंडली मार रही है।
अगर आप पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हो, वो आते हो अभिषेक से भरते हो, सामर्थ से भरते हो, वापिस उससे दूर चले जाते हो, वो जैसा आपके जीवन में है ही नहीं वैसे आप जीते हो, ध्यान से जिए। ये स्पेसिफिक दुष्ट आत्मा ने आपको कुंडली मारना शुरू कर दिया है ताकि आपका ब्रेद आपके अंदर से पवित्र आत्मा को वो आपके अंदर से दूर ले जाए, आपको पवित्र आत्मा से दूर कर दे और आखिर में आपकी स्पिरिचुअल डेथ तक वो ले जाए। आपको अवेयर रहना है प्यारो, ये दुष्ट आत्मा का काम है। आप बार बार जो काम करते हो जो पवित्र आत्मा को नहीं पसंद, आप यूं ही नहीं कर रहे हो प्यारो, किसी को उसके लिए लगाया गया है और वो है स्पिरिट ऑफ पाइथन, अजगर की दुष्ट आत्मा, वो कुंडली मारना शुरू कर दिया है। अगर आप आज भी आप व्यसन कर रहे हो, आज भी कोई पाप में हो, आज भी आप प्रभु से दूर हो, दुआ नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, आज भी आप चर्च में आना अवॉइड कर रहे हो, अलर्ट हो जाए। ये स्पेसिफिक दुष्ट आत्मा ने, स्पिरिट ऑफ पाइथन ने, अजगर की दुष्ट आत्मा ने कुंडली मारना शुरू कर दिया है। अंधेरे में मत रहना, ये वहां तक कुंडली लगाता जाएगा जब तक आपको प्रभु से, पवित्र आत्मा से एकदम दूर ना कर दे। ब्रीथ, पवित्र आत्मा को आपके अंदर से छीन ना ले, पाप में गिरा कर प्रभु से दूर ले जाकर और आखिर में आप उसका शिकार हो जाओगे। जब तक पाक रूह आपके अंदर आप सुरक्षित हो, आप उससे दूर जाकर स्पिरिट ऑफ पाइथन को, स्पेसिफिक दुष्ट आत्मा को आपको जकड़ने का, आपके जीवन में काम करने का मौका दे रहे हो। आपके अंदर से ब्रीद मतलब पवित्र आत्मा कौन छीन रहा है, आपको उससे दूर कौन ले जा रहा है? ये स्पेसिफिक स्पिरिट ऑफ पाइथन, अजगर की दुष्ट आत्मा, ये बिब्लिकल है, बाइबल में इसके विषय में लिखा गया है। ये स्टोरी नहीं कह रहे प्यारो, ये स्पिरिट वर्ल्ड है, आप नहीं देख पाते, लेकिन उसने कुंडली मारना शुरू कर दिया अगर आप पवित्र आत्मा से दूर हो तो आज। और ये अटैक स्पेसिफिक जगह पर करती है ताकि आप पवित्र आत्मा से दूर हो जाओ। कहां अटैक करती है? पौलुस और प्रभु का दास कहां जा रहा था? फिर से वो आयत हमने जो शुरुआत में चैप्टर पढ़ा वो फिर से हम पढ़े। कहां क्या करने जा रहे थे? ओके, पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा फिर से हम पढ़ेंगे। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तब ये दासी मिले। कब ये दासी उनके मार्ग में आई? कब ये दासी जिनके अंदर स्पिरिट ऑफ पाइथन थी, ये इनके मार्ग में आकर उनको रोकने लगी, उनको डाइवर्ट करने लगी, कुछ कहकर कुछ बोलकर, जब ये प्रार्थना करने जा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे काम करती है स्पिरिट ऑफ पाइथन? आपकी प्रेयर लाइफ को तोड़ती है, आपकी प्रेयर लाइफ को तोड़ना शुरू करती है। दिख रहा है ना अब कहीं कहीं काम कर रहा हो? हमें पहले ऐसा लगता था ये तो कोई स्पेस की स्टोरी कह रहे पास्टर साहब, ये कोई स्पेस की ब्रह्मांड की कहानी नहीं कह रहे, ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कार्यरत है आज भी, आज की तारीख में। स्पिरिट ऑफ पाइथन, अजगर की दुष्ट आत्मा, ये कहां अटैक करती है? आपकी प्रेयर लाइफ पर। ये जब प्रार्थना करने जा रहे थे तब ये स्पेसिफिक दुष्ट आत्मा से पीड़ित दासी उसके उनके रास्ते में आकर खड़ी रह गई, उनको रोकने लगी, उनको डाइवर्ट करने लगी। ओ, आपकी प्रेयर लाइफ अगर टूट रही है, इरेग्युलर है, स्पिरिट ऑफ पाइथन, अजगर की दुष्ट आत्मा ने आपको कुंडली मारना शुरू कर दिया है, अलर्ट हो जाइए। ये जकड़ती जाएगी, जकड़ती जाएगी, जकड़ती जाएगी। अगर अलर्ट नहीं हुए आप ऐसा शिकार हो गए, आपको रोना भी कैसे रोते वो भी नहीं पता चलेगा। लाइटली मत लीजिए प्यारो। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा लूका 22 और 46 में, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को
तीन बार का उठो ताकि परीक्षा में ना पड़ो, उठो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। सिर्फ प्रेयर है जो आपको बचा सकती है प्यारो, और शैतान आपकी प्रेयर लाइफ के ऊपर ही अटैक करता है। आप दो तीन दिन गैप लगा देते हो प्रेयर में, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका अंतरात्मा रोता नहीं है, मैंने तीन दिन से प्रभु से दुआ नहीं करी, प्रभु के चरणों में मैं नहीं गई। आप अलर्ट हो जाए, स्पिरिट ऑफ पाइथन ने आपको कुंडली मारना शुरू कर दिया है, और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। शैतान का काम एक ही है, चोरना, मारना, मार डालना। आपकी प्रेयर लाइफ इरेग्युलर है, कभी करते हो कभी नहीं करते, कोई दिन बैठ गए तो बैठ गए, कोई दिन बहाना बता लिया, प्रभु आज बहुत थकी हुई हूं, थका हुआ, घर का काम है, जॉब पर जाना है, ये है वो है। अब इसे लाइटली ले रहे हो, आपके जीवन के अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है, स्पिरिट ऑफ पाइथन आपके जीवन में काम कर रहा है। एक रियल घटना घटी थी, रियल स्टोरी, रियल घटना। एक लड़की ने एज ए पेट, जैसे कुत्ते को, डॉगी को हम घर में रखते हैं, या तो कुछ बर्ड्स को हम घर में रखते हैं, वैसे ही ये लड़की ने पाइथन को घर में रखा था। उसका पालतू पाइथन था, उसका नाम भी दिया था, मैं नाम भूल गया क्या था, लेकिन उसने इस पाइथन को घर में रखा, पहले पिंजरे में रखा था, और वो उससे बहुत प्यारा था, वो उससे बहुत अच्छा लगता था, उसका कलर, उसकी, उसका शेप, ये वो उससे बहुत अच्छा लगता था। और ये लड़की उससे बहुत प्रेम करती थी, और इतना प्रेम करती थी, जब उसने दूसरे लोगों को देखा कि उनका कुत्ता, उनके घर में जो पेट है वो उनके साथ सो जाते हैं, तो उसको भी लगा कि मेरा पाइथन मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसे पिंजरे से निकाला और उसे अपने बेडरूम में ले आई, और जब वो सो जाती तब पाइथन को भी बाजू में सुलाती और उसके साथ सोना शुरू कर दिया, और वो आराम से सो जाती, वो नींद में पाइथन उसके ऊपर घूमता रहता और उसे बहुत अच्छा लगता, कोई है उसके साथ, उसके लग, उसको उसको बहुत पसंद था वो पाइथन अजगर। और एक समय आया, थोड़ा ये अजगर अजीब बिहेव करने लगा, और ये लड़की ने देखा, ऑब्जर्व किया कि कुछ दिनों से ये अजगर कुछ खाना नहीं खा रहा। जब तक पिंजरे में था, रेगुलर खाना जो उसे दिया जाता था वो खाता था, और उसका रूटीन एकदम फिक्स था, लेकिन जब उसे वो बेडरूम में ले आई, कुछ दिनों से वो नोटिस कर रही है ये अजगर कुछ खाना नहीं खा रहा। और वो उसे जो प्राणियों के डॉक्टर होते हैं उनके पास हॉस्पिटल में ले गए, लिटरली उसका स्कैन किया गया, और जब डॉक्टरों ने उसका स्कैन किया अजगर का, उन्होंने पाया कि उसका पेट पूरा खाली है, उसके पेट में कुछ नहीं था। और वो जो प्राणियों के डॉक्टर थे वो एक्सपर्ट थे, उन्होंने वो लड़की को बताया इसका पेट एकदम खाली है, कई दिनों से इसने कुछ खाया नहीं है, तुझे पता है उसका मतलब क्या, हम इस एनिमल को, पाइथन को, अजगर को हमने बहुत स्टडी किया है, और हम उस स्टडी के आधार पर तुझे कहना चाहते हैं ये अजगर, तेरा पालतू अजगर तुझे खाने की तैयारी कर रहा है, ये तेरा पालतू अजगर तुझे खाने की तैयारी कर रहा है, तुझे पता भी नहीं चलेगा, एक रात जब तू सोती होगी ये तुझे कुंडली मारेगा और धीरे धीरे तेरी सांस तुझसे चली जाएगी, तुझे पूरे पूरा निगल लेगा, अभी के अभी इसे तू बेडरूम से बाहर निकाल। लड़की चौंक गई, उसे तो बहुत अच्छा लगता था, उसने जब पता चला उसने उसे वहीं पर रख दिया जहां उसकी जगह थी, उसे सोशल मीडिया तक ये स्टोरी डाली ताकि कई लोग जो ऐसे जानवरों को पालते हैं उनको पता चले कि ये उसका गुण है, कभी भी किसी को भी खा सकता है, उसके मालिक को भी नहीं छोड़ेगा। वो लड़की पाइथन के साथ खेलने गई, लाइटली ले रही थी। आज कई मसीही लोग ये स्पेसिफिक स्प्रिट के विषय में बहुत ही सहजता से उसे लेते हैं, वो दुआ नहीं हुई कोई बात नहीं,
मैंने ये काम ऐसा कर दिया जो पवित्र आत्मा को पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं माफी मांग लूंगा। अरे वो धीरे धीरे आपको कस रहा है, आप लाइटली ले रहे हो। दुआ नहीं करना, पवित्र आत्मा को दुखी करना, वो पाइथन की स्प्रिट आपको कस रही है, आपके आजू बाजू कुंडली मार रही है, और एक दिन आपको ऐसा जकड़ लेगी, आपको ये जीवन बहुत समान लगेगा। ये बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा जो लोग नहीं आए उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया अपने जीवन का। आपके जीवन में छिपे छिपे शैतान ऐसे भयंकर काम कर रहा है। पाइथन की स्प्रिट के विषय में हमने बताया शुरुआत में, ये डेंजर है, ये छोटी मोटी दुष्ट आत्मा नहीं है, ये आपके जीवन को पूरा निगल सकती है, बर्बाद कर सकती है, और हम इसके हिस्से में अवेयर नहीं है। वो लड़की अवेयर नहीं थी कि ये कितना डेंजर है। पाइथन, अजगर, क्या आप ये अजगर की दुष्ट आत्मा के साथ खेल रहे हो? कहीं पर उसे मौका तो नहीं दिया ने? शैतान आपका तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप उसे मौका ना दो। क्या आपने कहीं पर उसे मौका दिया? उसने आकर कहा दुआ नहीं कर, ओके नहीं करती, सो जाती हूँ, आसास भी बहुत देख लेती हूँ, कल दुआ कर लूंगी। आज मेरी सहेली के साथ मुझे घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, पवित्र आत्मा को पसंद नहीं आएगा, लेकिन क्या करूँ, नहीं छूटता ये मूवी, ये फलाना, ये वो, जो नहीं छूटता ने वो बताता है उसने आपको जकड़ना शुरू कर दिया। जकड़ना मतलब आप हेल्पलेस हो जाते हो। जब वो जकड़ता है तब आप हेल्पलेस हो जाते हो, को लगता है छोड़ना ही नहीं छोड़ सकती, क्यों नहीं छोड़ सकती? या आपने उसे काम करने दिया है, आपने उसे अपने आजू बाजू जकड़ने दिया है, कुंडली मारने दिया है, कैसे? सहकार देकर। एक बार ना बोला प्रेयर का आपने नहीं की, एक कुंडली लगाई उसने, पवित्र आत्मा को जो पसंद नहीं था आपको ना बोला गया, लेकिन फिर भी अपना आपने किया, उसने दूसरी कुंडली लगाई, वो धीरे धीरे चढ़ रहा है, धीरे धीरे चढ़ रहा है आपकी गलती के कारण। कल जाकर प्रभु को ये नहीं दोष देना, प्रभु मेरे जीवन में ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मेरे जीवन में आशीष से क्यों छिन गए, ये जीवन बोझ जैसा क्यों हो गया, जीने जैसा क्यों नहीं रहा? तब तक तो उसने पूरा निगल लिया होगा आपको। प्योर, बहुत गंभीर बात है जो आज प्रभु आपसे सिखा रहा है। आज अगर अलर्ट हो गए, वो लड़की ने जैसे कि अगर आज आपने उसकी जो जगह है वहां उसे बिठा दिया, जीवन से, मन से, शरीर से निकाल दिया, परिवार से निकाल दिया, आज आपके लिए आज का दिन फ्रीडम का दिन होगा, आपके परिवार के लिए आज का दिन फ्रीडम का दिन होगा। कुछ बातों को और भी हम बताने जा रहे हैं प्यारो, स्पेसिफिक स्प्रिट कैसे काम करती है और कैसे एंटर होती है प्यारो, हमें इसे सीखना है। आप सीख रहे हो? आप सीख रहे हो प्यारो? ये आपकी स्पिरिचुअल डिजायर्स को, इच्छाओं को छीनती है प्यारों। ये आपको चर्च में आने से रोकेगी, ये आपको प्रभु की सेवकाई करने से रोकेगी, ये हमेशा कहेगी आज नहीं कल बाइबल पढ़ लेना। ये सब नॉर्मल नहीं है, कोई आपको कुंडली लगा रहा है, दबोच रहा है प्यारों, आपको अलर्ट रहना है। आखिर में ये कहां तक जाएगी, ये दुष्ट आत्मा, ये स्पेसिफिक स्पिरिट आखिर में वृद्ध को छीन लेती है, पवित्र आत्मा से आपको एकदम अलग कर देती है, दूर कर देती है प्यारों, आपकी लाइफ डेड जैसी बना देती है, मृत बना देती है। ये अटैक पाउल के ऊपर तब हुआ था जब उसने यूरोप में जस्ट मिनिस्ट्री लॉन्च करी थी। ध्यान से सुनिए प्यारो, स्पेसिफिक ये वो टाइम था जब पाउल ने एक नई शुरुआत करी थी, एक नई जगह काम शुरू किया था, नई जगह मिनिस्ट्री शुरू करी थी। ये स्पिरिट आपके विरुद्ध तब अटैक करेगी जब आप कुछ नया करने को सोचो,
कुछ बढ़ने के लिए सोचो, कुछ अच्छी जॉब के लिए सोचो, कुछ अच्छे बिजनेस के लिए सोचो, कुछ प्रगति करने के लिए सोचो। जब आप सोचोगे कि मैं कुछ नया करूं, प्रगति करूं, आगे बढ़ूं, ये स्पिरिट आपको कुंडली मारने के लिए तैयार होगी। और वो कुंडली कब मारेगी? आपके पास गलती करवाकर, पवित्र आत्मा को जो पसंद नहीं वो करवाकर, प्रेयर लाइफ को डेड करवाकर, आपकी प्रगति को वो रोकने का ट्राई करेगी। पौलुस और प्रभु के दास जस्ट यूरोप में मिनिस्ट्री लॉन्च करी थी, नई शुरुआत की थी, और ये स्पिरिट उनके बीच आकर खड़े गए। प्यारो, अलर्ट रहिए। अगर आपने आपके जीवन में इन बातों को अनुमति दी है, आप कभी प्रगति नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा मेरे काम क्यों नहीं बन रहे, मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु के चर्च में जाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, मेरे काम क्यों नहीं बन रहे। इसलिए नहीं बन रहे आपके काम क्योंकि आप जब कुछ नया करने जा रहे थे, शैतान ने आपके पास गलती करवा दी, वो काम करवाया जो प्रभु की आत्मा को नहीं पसंद था। शैतान ने वो करवाया जो प्रभु से आपको दूर ले जाए, और फिर उसने कुंडली लगाई, बांध दिया आपको कि आगे आप ना बढ़ पाओ, आप प्रगति ना कर पाओ। प्रेयर लाइफ को उसने डेड कर दिया ताकि आप वो प्रगति में जाने वाले थे पीछे हट जाओ। ये प्रभु के दास जस्ट नया काम शुरू किया था और ये दुष्ट आत्मा बीच में आकर खड़ी रह गई। आपके काम सफल इसलिए नहीं होते कि प्रभु आपकी सुन नहीं रहे। आपके काम इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि मैंने और आपने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है, लापरवाह रहे, लाइटली लिया इस डेमोनिक स्पिरिट को, दुष्ट आत्माओं को, इसके विषय में हम अवेयर नहीं है, और इसलिए हम प्रगति नहीं कर पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे। कॉम्प्रोमाइज, समाधान, छोटे 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 करके पवित्र आत्मा की प्रेजेंस से हम दूर हो जाते हैं, प्रेयर लाइफ में केयरलेस रहते हैं, और फिर ये दुष्ट आत्मा हमें बांध देती है। फिर हम चिल्लाते हैं, प्रभु मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं क्यों कुछ कर नहीं पा रहा, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। आप जकड़े से महसूस कर रहे हो अपने आप को, आपको लग रहा है किसी ने जकड़ लिया है, बढ़ नहीं पा रहे। दुष्ट आत्मा का काम है। आज अगर आपने अपनी गलतियों को कन्फेस किया, उसकी ग्रिप से प्रभु आपको आजाद करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा। वो तो अपने लोगों की, अपने भक्तों की आबादानी में मतलब उनकी प्रॉस्पेरिटी में खुश होने वाला खुदा है। वो तो चाहता है आप आगे बढ़ो, हर एक क्षेत्र में ब्लेस हो। लेकिन कोई है जो आपको जकड़ कर रखे हुए है। आप कुछ इसलिए नहीं कर पा रहे किसी ने आपको जकड़ा है, इसलिए नहीं कि प्रभु आपकी दुआ नहीं सुनता, इसलिए क्योंकि आपने किसी को स्थान दिया आपके आसपास कुंडली मारने का। काम बनते बनते रोकने वाली है दुष्ट आत्माएं, डिले करवाने वाली दुष्ट आत्माएं, रिस्ट्रिक्शन, रुकावटें लाने वाली है दुष्ट आत्माएं। प्यारो, इसका अटैक आपकी जॉब पर होगा, बिजनेस पर होगा, करियर पर होगा। प्यारो, और इस समय पहचानना है और इसके कामों को हमें तोड़ना है। आमेन, हालेलुया। ये जीवन में प्राइड लाती है। थोड़ा समय प्लीज मुझे दीजिए, आप कुछ सीख रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके जीवन के लिए। प्यारो, प्लीज थोड़ा समय दीजिए और सीखिए। प्यारो, ये जीवन को, आपके जीवन को सेम नहीं रहने देगी। ये जीवन में प्राइड लाता है। ये प्रभु के दास जब जा रहे थे, उनके आगे चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा, वो आज फिर से हम पढ़ेंगे। ये तो परम प्रधान के पुत्र, ऐसा कुछ किया कहा ना, प्लीज वो आज फिर से आप रखिएगा। जैसे ही उसने देखा प्रभु के दासों को, वो तुरंत चिल्लाने लगा, वो स्त्री तुरंत चिल्लाने लगी और क्या बोलने लगी, वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। बोस्टिंग करने लगे उनके विषय में, वे फूल जाए, उनमें घमंड आ जाए। ओम परम प्रधान के दास है, हम उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते, हमारे द्वारा ये काम होता है, वो काम होता है। ये दुष्टात्मा आपके जीवन में घमंड लाती है,
बाइबल के अनुसार घमंड गिरने की निशानी है। वो आपके जीवन में घमंड लाए, वो तू कितनी सुंदर है, ओ तेरे पास कितनी अच्छी गाड़ी है, वो तू कितना अच्छा बोलती है, और तूने जोरदार पढ़ाई करी, बाकी जोरदार, तेरे जैसा कोई और नहीं है चर्च में। जब वो ऊपर चढ़ाता है ना, समझ लो गिराने के लिए ऊपर चढ़ाता है। बोस्टिंग, घमंड, ये घमंड इसलिए लाती है ताकि आपको गिराए। पौलुस और प्रभु के दासों के विरुद्ध वो बोलने लगी, उनके जीवन में घमंड आए, इसलिए बोस्टिंग करने लगी। गुजराती में कहते पानो चढ़ाओ। प्यारो, इससे हमें बचना है। आमीन। ये जो दुष्ट आत्मा थी, आखिरी पॉइंट, फिर हम आगे जाएंगे और सीखेंगे ये कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे आपके जीवन में एंटर होती है। कुछ मुद्दे हमने आपको बताए, आखिर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हम आपको बताएंगे, फिर हम दुआ में जाना चाहते हैं। ये जो दासी के अंदर स्पिरिट ऑफ पाइथन थे, वहां लिखा है वो अपने मालिकों को अच्छा खासा मुनाफा करवाती थी। ये पॉसिबल है? दुष्ट आत्मा उसके मालिकों को मुनाफा करवा रही है, अच्छा खासा पैसा कमा रही है। शैतान कुछ भी फ्री में नहीं देता, जब कुछ देता है बहुत कुछ छीनता है। कुछ ऐसी स्टोरी हम आने वाले दिनों में बताएंगे ऐसे लोगों की, जिन्होंने शैतान को अपने आप को बेचा कि उससे कुछ पाए, लेकिन बाद में उनका जीवन पूरा बस से बदतर हो गया। जीवन के आखिरी पड़ाव में जब वो अजगर पूरा निगलने को था, तब उनको प्रभु की पहचान हुई, उनकी आत्मा एटलीस्ट बच गई, जीवन बच नहीं पाया, क्योंकि बहुत डूब गए थे उसके अंदर। उसमें हम जाना नहीं चाहते, लेकिन इन शॉर्ट, शैतान कुछ भी फ्री में नहीं देता। ये दुष्ट आत्मा अपने मालिकों को पैसा दे रही थी। शैतान धन, ये जो स्पेसिफिक दुष्ट आत्मा स्पिरिट ऑफ पाइथन, ये आपके जीवन में धन का लोभ लाएगी। आप जब प्रभु में बढ़ते होंगे, आप प्रभु के पीछे पीछे आगे बढ़ते होंगे, दुआ में, पवित्र आत्मा की अधीनता में, प्रभु के भय में, तब ये गाजर लटकाएगी, ऐसा गाजर कि आप उसके पीछे दौड़ो। अभी तक ऐसी जॉब नहीं मिली होगी, लेकिन जैसे ही आप सिंसियर बने दुआ में, पवित्र आत्मा के आवाज को सुनकर उसका कहा करने में, तुरंत ऐसी जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगी। वो बोलेंगे आपको हम इतना सैलरी देंगे, आप चौंक जाओगे, मुझे वो इतना अच्छा सैलरी दे रहे, बस आपको संडे आना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा, घर में बैठकर ऑनलाइन सुन लेते, उसमें क्या जाने वाला है। नहीं, स्पिरिट को स्थान दे दिया आपने, इस दुष्ट आत्मा को स्थान दिया, उसने कुंडली लगा दी, आपको पता भी नहीं चला, अब अंधेरे में रह गए। अच्छे अच्छे विश्वासियों को इसने अपनी चपेट में, जकड़ में ले लिया, इस धन के लोभ को उनके आगे रख कर। प्यारो, कई इवन सेवक सेविका इसमें गिर गए। प्यारो, ये स्पिरिट ऑफ पाइथन धन का लोभ लाती है ताकि आप उसके पीछे खींचे जाओ और प्रभु से वो आपको दूर कर ले और फिर चकरना शुरू कर दे। जब आप अपनी जॉब के कारण, जब आपकी अपने बिजनेस के कारण चर्च में आना छोड़ो, दुआ में बैठना छोड़ो, मेरे प्रभु के दास के शब्द आपके कान में पड़ने चाहिए, याद करना, ये स्पिरिट ऑफ पाइथन ने आपको कुंडली मारना शुरू कर दिया है। और वो ही जॉब आपके जीवन को नरक जैसा बना देगी। पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन प्रभु से दूर जाकर आपका जीवन कभी आशीषित नहीं हो सकता। एक बहन ने अपने पास्टर से रिक्वेस्ट दी, कैसी रिक्वेस्ट पता है, आप प्लीज दुआ करो मेरी ये जॉब छूट जाए। है यहां पर ऐसा कोई जो कहे प्रभु से, प्रभु मैं पैसों के पीछे दौड़कर स्पिरिट ऑफ पाइथन को मेरे जीवन में काम करने का अवसर नहीं देना चाहता, प्रभु ऐसी जॉब, ऐसा बिजनेस तू दूर कर,
तो इस शैतान को मेरे जीवन में काम करने का अवसर दे, मुझे तुझसे दूर ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, हमने आपको कुछ बातें सिखाई, ये क्या क्या करता है। आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं मेरे जीवन में ऐसे कुछ सिम्टम्स तो दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसने ऐसा कुछ काम किया है। आज प्रभु आपको छुड़ाएंगे, आज आपको अलर्ट होना इस बातों में, गंभीरता से लीजिए प्यारो। ये स्टोरी नहीं कहता, ये रियलिटी आत्मिक जगत है, और आत्मिक जगत में ऐसी दुष्ट आत्मा है जो स्प्रिट ऑफ पाइथन करके है। आपको पता नहीं होगा मराइन स्पिरिट्स है, ऐसी लेवियाथान, ऐसी कई स्पिरिट्स, ढेर सारी ऐसी दुष्ट आत्मा। जब तक आप उनको नहीं जानते, उनको आइडेंटिफाई नहीं करते, उनको पहचानते नहीं, तब तक आप क्या अटैक करोगे, कैसे उसको दूर करोगे। जब तक आप उससे पहचानते नहीं, कैसे आप उसके विषय में गंभीर बन पाओगे। हमें उसे जानना है, हमें उसके विषय में गंभीर बनना है। आमेन। ये जो लेडी थी, ये जो दासी थी, इसके अंदर ये स्पेसिफिक दुष्ट आत्मा थी, स्प्रिट ऑफ पाइथन। हम अब एंड में आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी कुछ बात है। इसके अंदर स्पेसिफिक ये स्प्रिट थी, स्प्रिट ऑफ पाइथन, और ये स्प्रिट उससे भविष्य कहने की कैपेबिलिटी देती थी, भविष्य कहने की क्षमता देती थी। दुष्ट आत्माओं को भी कुछ अधिकार है उनके पास अभी भी, प्रभु ने उनसे अधिकार नहीं ले लिए। वो पहले प्रभु के दूत थे स्वर्ग में, प्रभु की आराधना करने वाले। जब वे गिरे, कुछ अधिकार अभी भी उनके पास है, और कुछ है जो छल है। कहीं पर हम जाते हैं, हमें लगता है इसने ये कहा भविष्य के बारे में और ये हो गया, एक्चुअली वो नहीं होने वाला था। और क्यों हुआ, क्योंकि जब आप उसके पास गए, उसने बताया ये होगा तेरे जीवन में, फलाना होगा, और आप उसके साथ एग्री हो गए। और जब आप उसके साथ एग्री हुए, आपने उनकी हाँ में हाँ बोली, आपने उनका उन पर विश्वास किया, आपने उनके द्वारा जो दुष्ट आत्मा काम कर रही थी उसको अपने जीवन में अनुमति दी, और वो दुष्ट आत्मा ने वो करवाया जो व्यक्ति बोल रही थी। अहंकार का साम्राज्य है प्यारो, हकीकत में वो फ्यूचर नहीं कह रहा था, वो प्रोग्राम कर रहा था आपको, वो जो कह रहा है वो होने के लिए। और आपको वो बोला ने वैसा ही हुआ, अरे उसने प्रोग्राम करके भेजा, उसके असिस्टेंट को भेजा दुष्ट आत्माओं को, ये मैंने बोल दिया है, इसने बिलीव भी कर दिया है, वो हमें तो ओपन डोर मिल गया, अब इसके जीवन में काम करो। जब तक ये नहीं बोला तब तक नहीं होता, वापिस नहीं लौटना। उसने आपके लिए प्रोग्राम करके आपको भेजा, और आपको लगता है वो फॉर्च्यून बोला, भविष्य बोला और हो गया। अरे उसने भविष्य नहीं बोला था, आपको उल्लू बनाया था, को प्रोग्राम करके भेजा था, दुष्ट आत्माओं को पीछे लगाया था। ये लेडी स्पेसिफिक, ये जो दुष्ट आत्मा स्प्रिट ऑफ पाइथन जिसके अंदर था, वो भविष्य कहती थी बच्चे ऐसी बातों से, बच्चे ऐसी जगहों से। हम क्यूरियोसिटी के कारण हम पेपर में ओपन करके देखते, आज देख लूं मेरा भविष्य क्या है, आज कौन सी राशि है, आज 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 क्या होने वाला, शुभ होने वाला, शुभ। अरे आपके लिए हर दिन शुभ है यीशु मसीह के नाम में। वो आपको प्रोग्राम करना चाहते हैं, और ये स्प्रिट ऑफ पाइथन को आप जब न्यूज़पेपर से भविष्य पढ़ते हो, आप खुले दरवाजे देते हो कि वो आपके जीवन में आए और काम करे। फिर वो कुंडली मारता है और अशुभ ही होता है आपके जीवन में, बिलीवर होने के बावजूद। ये भविष्य जानने की बातों से बचे, क्योंकि ये जो स्प्रिट है, स्प्रिट ऑफ पाइथन, ये भविष्य कहने वाले लोगों के थ्रू एंटर हो सकता है। न्यूज़पेपर में भविष्य पढ़ना बंद करें, आज देख लो कौन सा ग्रह मेरे विरुद्ध। अरे हर एक ग्रह को यीशु मसीह ने बनाया, ग्रह आपका क्या बिगाड़े जब उसको बनाने वाला खुदा आपके साथ है।
ग्रह नक्षत्र ज्योतिष राशि भविष्य ये सब ये स्पिरिट ऑफ पाइथन को आपके जीवन में एंटर होने के लिए द्वार खोलने के बराबर है। अगर आप कहीं पर भी ऐसी जगह पर गए हो कभी भी अपना हाथ देखो ना मेरी रेखा कहां जाती है, अरे आपकी रेखा वहीं जाएगी जहां प्रभु आपको ले जाना चाहता है। दूसरों के हाथों में आपकी रेखा क्यों सौंपते हो? आपकी रेखा आपके जीवन की हर एक बातें उसके अधीन है, उसके हाथों में लेकर मनुष्य को सौंपते हो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, स्पिरिट ऑफ पाइथन है, और आपकी रेखा देखने के बहाने वो आपके शरीर में जीवन में सड़सड़ाट एंटर हो जाता है, पता भी नहीं लग रहा। इन बातों को ध्यान से सुनिए, और अगर ऐसी बातों में आप कहीं पर शामिल हुए आज उससे हमें नकारना है। देखो हम सिर्फ नॉलेज लेने के लिए ही नहीं यहां नहीं बैठे, हम इसे हमारे जीवनों से निकालने के लिए बैठे, उसके प्रभाव से फ्री होने के लिए बैठे। आमीन। हमें ध्यान से अपने जीवन के विषय में सोचना है, क्या मेरे जीवन में कहीं पर कभी भी मैंने भविष्य देखने की बात को लेकर कदम बढ़ाया था? न्यूज़पेपर में पढ़ा था आज मेरा दिन शुभ है, किसी को मेरा हाथ दिया था, किसी व्यक्ति को जो रोड पर तोता लेकर बैठा है क्या मैं उसके आगे बैठा? अरे वो तोता पिंजरे में बंद है, आपका क्या भविष्य उज्ज्वल हो कर सकता है? क्या ऐसे कोई भी स्टेप्स आपने लिए थे अपने जीवन में? उसके लिए आज माफी मांगनी है, उसको रिनाउंस करना है, उसको नकारना है। अगर शैतान ने आपको कहा दुआ नहीं कर और आपने नहीं की, उस भूल को माफी मांग कर उसके कारण एंटर हुई स्पिरिट को आज हमें नकारना है। पवित्र आत्मा की दृष्टि में जो गलत था कहीं पर शैतान ने आपके पास करवाया, आपके करने के कारण स्पिरिट ऑफ पाइथन आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रही है, आज उसे नकारना है, उस काम के लिए माफी मांग कर। आपको माफी मांगनी पड़ेगी प्यारो, वो हर एक काम जिसके करने के द्वारा ये स्पिरिट ऑफ पाइथन को आपने अपने जीवन में एंटर होने के लिए मौका दिया है, उस कामों के लिए आपको माफी मांगनी है। आमीन। सुन रहे हो ना प्यारो? अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी करके जगह है, वहां की बहुत ही बड़ी एक विचक्राफ्ट करने वाली, जादू टोना करने वाली और भविष्य कहने वाली एक औरत, उसने अपने अनुभव के विषय में कहा, रियल में ये बात उसने कही। वो कहती है जब एक दिन वो सो गई थी तब एक सांप उसके ड्रीम में उसके पास आकर सो गया, और वो दिन से ये भविष्य कहना उसने शुरू किया। वो दिन से उसे ये क्षमता मिली कि वो भविष्य कहे। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की सबसे फेमस ये भविष्य कहने वाली लेडी, विचक्राफ्ट करने वाली, जादू टोना करने वाली लेडी ये कह रही है। उसने कब ये क्षमता पाई भविष्य बताने की? जब एक दिन सो रही थी तब एक सांप उसके पास आकर सो गया। क्या बताता है ये? स्पेसिफिक स्पिरिट ऑफ पाइथन, अजगर की दुष्ट आत्मा उसके जीवन में आई और उसके थ्रू वो भविष्य बता रही है। और आप जैसे लोग उनके पास जाकर जब बैठते हो आप उस स्पिरिट के लिए द्वार खोलते हो जो वहां काम करती है, स्पिरिट ऑफ पाइथन, अजगर की दुष्ट आत्मा। कहीं पर भी भविष्य बताने, दिखाने, पूछने के लिए गए, हाथ दिखाया, बताया, पूछा, आज हमें माफी मांगनी है। आमीन। आमीन। प्राइड किया है जैसे हमने बताया, प्राइड ये दुष्ट आत्मा का काम है, उसके लिए माफी मांगनी है। अब स्पेसिफिक कुछ चीजों को भी हम आपको बताएंगे आखिरी 5-6 मिनट में।
अब में से कुछ लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, और ऐसे समय में भी कुछ ऐसी चीज़ें हमने, हमारे पुरखों ने जाने अनजाने में की है, जो स्पेसिफिक स्प्रिट ऑफ पाइथन को, जिगर की दुष्ट आत्मा को अनुमति दी है काम करने की। और आपको पता, इवन आपके बाप दादाओं ने भी कहीं पर ऐसी चीज़ों में वो इन्वॉल्व हुए थे। आप भले प्रभु में आ गए, लेकिन श्राप तीन पीढ़ी तक पीढ़ियों में उतरता है श्राप, जब तक उसे तोड़ा नहीं जाता। मतलब आपके बाप दादाओं में से किसी ने ऐसा कोई काम किया है, भविष्य देखा है, भविष्य की बात, ज्योतिष विद्या ये वो, उसमें शामिल हुए और उसमें वो डूबे हुए थे। ये इनकी नॉर्मल प्रैक्टिसेस थे, वे तो पृथ्वी पर से विदा हो गए, लेकिन उन्होंने जो काम किए थे उसके कारण आपकी फैमिली में और फैमिली लाइन में, आपकी पीढ़ी में वो दुष्ट आत्मा को ऑलरेडी एंट्रेंस मिल चुका था, और आप उनकी संतान हो, आप उनकी पीढ़ी हो। बाइबल के अनुसार तीन पीढ़ी तक ऐसी दुष्ट आत्मा को जब मौका दिया जाता है, तीन पीढ़ी तक उनको अधिकार मिलता है वो शापों को उतारे, तीन पीढ़ी तक। मतलब आपके बाप दादा भी कहीं पर ऐसी बातों में शामिल हुए होंगे, अगर उन बातों के लिए आपने माफी नहीं मांगी और उसे अगर रिनाउंस नहीं किया, उसे नकारा नहीं, वो आपके जीवन में उतर सकता है। अगर स्पेसिफिक बात के लिए आपने माफी नहीं मांगी और इसके प्रभाव को आपने नहीं तोड़ा, तो आपको ये बात ध्यान रखनी। हम जब दुआ में आपको समय दे, आप इन बातों को भी कन्फेस करें, प्रभु अगर मेरे बाप दादाओं में से किसी ने ज्योतिष विद्या, भविष्य देखना, इन बातों में, ग्रह नक्षत्र ये सब बातों में वह कहीं पर भी शामिल हुए थे, हमारे बाप दादाओं ने स्प्रिट ऑफ पाइथन को, अजगर की दुष्ट आत्मा को अनुमति दी, हम उनके लिए माफी मांगते हैं, और उसका प्रभाव कहीं पर हम पर, हमारे फैमिली पर उतराओ, उस आज यीशु मसीह के नाम में नकारते हैं। आमेन। यह हमें दुआ करनी है प्यारो। कुछ चीजें ऐसी है प्यारो जो ये दुष्ट आत्मा को, स्पेसिफिक स्प्रिट को अनुमति देती है। आपको लगेगा ये छोटी छोटी बात है, लेकिन ये उससे हाथ मिलाने बराबर है। कुछ बहनें स्पेसिफिक बिंदी लगाती है, स्पेसिफिक बिंदी जिसमें नाग की चिन्ह होती है, साइन होती है, देखा है आपने, नाग सांप, स्पेसिफिक बिंदी होती है जिसमें नाक की साइन होती है, स्पेसिफिक। बंद कर दीजिए, अगर लगाई है तो माफी मांगना। ये स्प्रिट ऑफ पाइथन को, नाक को आपने अपना कपार पर लगाकर घूमे, अरे प्रभु में भी आप भी गए, पहले भी अगर कहीं ऐसा किया है, माफी मांगना, कहना प्रभु हमें माफ करे, हमने कहां उसे कपार पर लगाया। में आने का, इसको आपने अधिकार दिया था वो समय, फिर वो अधिकार को छीना, उसे तोड़ा, हमें तोड़ना पड़ता है प्यारो, हमें उसे नकारना पड़ता है। आमेन, आमेन। अब ध्यान से इन बातों को सुनिए प्यारो, कुछ बातों में आप ऐसे जकड़ गए, आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि रीजन जड़े बहुत उंडी है और उसको आपको जड़ से निकालना पड़ेगा।
पवित्र शास्त्र में लिखा गया है शुरुआत में जेनेसिस की किताब में, उत्पत्ति की किताब में, कि सांप को प्रभु ने श्राप दिया। श्राप को प्रभु ने, नाग को प्रभु ने श्राप दिया। इसके आगे हो प्यारो, ये बातें महत्वपूर्ण है और ये बातों के कारण ही आपने कहीं ना कहीं स्पेसिफिक स्पिरिट ऑफ पाइथन को अधिकार दिया था कि वो आपके जीवन में एंटर हो। और वो तब से हमने शुरुआत में ही आपको बताया, ये छिपकर काम करने वाली दुष्ट आत्मा है, ये कैमोफ्लेज धारण कर लेती है, अपने बैकग्राउंड से मिला लेती है अपने आप को, मतलब आपको पता ही ना चले कि ये आपके जीवन में काम कर रही है। आप अंधेरे में रहोगे, वो आपको जकड़ती जाएगी, जकड़ती जाएगी, जकड़ते जाएगी, आपका सांस लेना, जीना मुश्किल हो जाएगा, आपको लगेगा जीवन अब बेकार है, मर जाए तो अच्छा है। आपको जकड़ लिया है पूरा, वो आपको आपको निगल जाना चाहता है। बहुत डेंजर स्पिरिट है प्यारो, बहुत ही खतरनाक दुष्ट आत्मा है, और आपको इससे आज अपने जीवन से नकारना है। आमेन, आमेन, हालेलुया। कुछ लोगों को भले मसीह में आ गए लेकिन अलर्ट नहीं रहते, गाने क्या सुनते हैं, गाने क्या बजते हैं, नागिन डांस पर तो ऐसे नाचते जैसे प्रभु की आराधना में नाच रहे हो। नागिन डांस आपके जीवन में किसको लेकर आएगा? स्पिरिट ऑफ पाइथन को। और आपने मोबाइल में ऐसे गाने डाल रखे जो किसी भी सांप से जुड़े, नाग से जुड़े, पाइथन से जुड़े, वो इविल स्प्रिट आपके जीवन में आएगी उस गानों के द्वारा। आप उसकी आराधना कर रहे हो, आप उसकी वर्शिप कर रहे हो, आप उससे जुड़ रहे हो। अगर ऐसे कोई भी गाने आपने गाए, आप माफी मांगिए। ऐसी ट्यून पर हमें सबसे ज्यादा फेवरेट ट्यून होती है नागिन की ट्यून, और पागलों की तरह लोग डांस करने लगते जब ये स्पेसिफिक ट्यून, नागिन वाली ट्यून बजती है तब, और इस सारे कर करके नाचते हैं, और फिर ये नागिन पूरी लाइफ उनको नचाती है। मसीह लोग भी इससे दूर नहीं है। क्या ऐसी कोई ट्यून डांस किया है? क्या ऐसे कोई गाने नागिन के विषय में बजा है, सुने? रिनाउंस करना है आज आपको, माफी मांगना है। आपने इनडायरेक्टली पिछले दरवाजे से स्प्रिट ऑफ पाइथन को बोला जा, कहां जाएगी वो आकर आपके जीवन में? क्या बैठी रहेगी? वो लड़की के साथ जब ये पाइथन रहता था, वो अपने आप को तैयार कर, मुझे इसे निकलना है। वो स्पिरिट को जो आपने एंटर करवाया अपने जीवन में, वो आपको निगलना चाहती है प्यारो। कुंडली मारना तो शुरू कर दिया होगा। अगर आज आप उसके विषय में गंभीर नहीं बने, ये कभी भी बहुत ही बड़ा नुकसान कर सकते हैं प्यारों। कुछ लोगों को ड्रीम्स में ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिसमें वो नाग को देखते, सांप को देखते हैं, और ये ड्रीम्स को जब आप देखते हो उसके बाद जो करते हो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको ड्रीम्स में नाग दिखाई दिया, सांप दिखाई गया, कोई भी इविल स्प्रिट दिखाई दी,
कोई भी दुष्ट आत्मा दिखाई दे, आपने उसके बाद क्या किया? उसे नकारा, उसे तोड़ा। अगर वो ड्रीम को आपने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, गए ड्रीम के थ्रू बहुत कुछ इंपार्ट हो सकता है आपके जीवन में। आपको ड्रीम आता है, ड्रीम आता है कहां? दिमाग में। रिएक्शन क्या आता है? बॉडी में। पता है आपको लगता है, मान लो ऐसा ड्रीम, आप गिर रहे हो तो आप पैर ऐसे ऐसे करते हो। ड्रीम तो दिमाग में आ रहा है ना, बॉडी में क्यों रिएक्शन आता है? ड्रीम की इफेक्ट आपके शरीर पर होती है, स्वप्न की इफेक्ट आपके बॉडी पर होती है, आपके जीवन पर होती है। आप ड्रीम्स को लाइटली मत लीजिए, स्वप्नों को लाइटली मत लीजिए। आपके ड्रीम्स आपके शरीर पर, आपके जीवन पर प्रभाव डालते। स्पेसिफिक आपके ड्रीम में ऐसी कोई चीज आई, सांप, अजगर, ऐसी कुछ भी चीज आई, आपको उसको तुरंत नकारना था। अगर ऐसा कोई ड्रीम आया और वो ड्रीम के कारण आप डर गए, आपने उसे नकारा नहीं, आपने उसे स्वीकार कर लिया, आपने उसको स्थान दे दिया, आपने उसको स्थान दिया है प्यारो, और आपको उसे नकारना है। आमीन, आमीन। आपको ऐसे ड्रीम्स को अगर देखकर फिर डर लगा था, आपने उसे नकारा नहीं था, आज आपको माफी मांगनी, प्रभु से कहना है प्रभु आप हमें क्षमा करे। ऐसे आखिरी एक पॉइंट, सांप सपेरे वाले आपने देखे? सपेरे जो आते हैं ना, डाले पैसे कभी फन के लिए देखने बैठ जाते थे और फिर पैसे भी डालते थे? अगर ऐसी कोई भी बात में शामिल हुए हो, हमें माफी मांगनी। आए अपने स्थान पर खड़े हो जाए प्यारो। आपको ध्यान रखना है प्यारो, आप ऐसे कोई भी कपड़े ना पहनो जिसके ऊपर नाग हो, सांप हो, वो शापित है। और ऐसी शापित चीजें, शापित साइन आप पहन कर नहीं चल सकते। अगर आपके घर में ऐसी कोई भी टी शर्ट है, एक बार मैं इवन मेरी शादी का दिन, शादी का अगला दिन था, और जब एक ब्लेजर मैंने मंगवाया था वो आया, और मैंने तब नहीं देखा ध्यान से, लेकिन आखिरी टाइम जो थैंक्स मीटिंग में मुझे पहनना था और मैंने देखा तो पीछे खोपरी थी। शादी के अगले दिन हम भागे, रिटर्न किया, नहीं चाहिए हमें। हालेलुया। ऐसी चीजों को हमने जाने अनजाने में स्थान दिया है प्यारो, हमें ऐसी चीजों को नकारनी है। आमीन। अगर ऐसी कोई भी टी शर्ट, ऐसी कोई भी ड्रेस, ऐसा कोई भी टोपी, कैप, कहीं पर आपको नाक की साइन दिखती है, आपको उसे नहीं पहनना है प्यारो। आप स्पिरिट ऑफ पाइथन को कहीं ना कहीं अवसर देते हो, मौका देते हो। टैटू कई लोगों के शरीर पर होते हैं नाक के, आप नहीं लगवा सकते प्यारो। ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन आप उन्हें अधिकार देते हो ऐसी स्पिरिट को, ऐसी दुष्टात्माओं को। आपको केयरफुल रहना है ऐसी ज्वेलरी से प्यारो, आपको केयरफुल रहना है ऐसी कोई भी ज्वेलरी आपके शरीर पर ना हो जिसमें ये निशानी हो। अगर ऐसी कोई ज्वेलरी पड़ी है, कितनी भी कीमती निकाल दीजिए, इसे मत रखिए अपने घर में। ये शापित चीज है, ये अनुमति देती है रॉन्ग स्पिरिट को आपके जीवन में एंटर होने के लिए। आपको क्षमा मांगनी है, प्रभु से कहना है प्रभु कहीं पर ऐसी कोई भी ज्वेलरी हमने घर में रखी है, प्रभु आप मुझे माफ करें। आखिरी बात, मूवीज, ऐसे मूवीज देखने में हमें बहुत इंटरेस्ट आता है। नागिन को मार दिया फिर वो बदला लेने आई है, देखिए ना ऐसी मूवीज। ऐसी मूवीज प्यारो आपके अंदर कुछ इम्पार्ट करती है, आपके शरीर में, आपके जीवन में देखने के द्वारा कुछ इम्पार्ट होगा, सुनने के द्वारा कुछ इम्पार्ट होगा, कहीं ना कहीं आपकी बिलीफ जुड़ेगी उसके साथ, विश्वास जुड़ेगा उसके साथ, और वो चीजों के द्वारा, वो मूवी देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, ऐसी स्पिरिट्स को आप अपने जीवन में न्योता देते हो, अनुमति देते हो एंटर होने के लिए।
वो तो छिपी रहती है, लगता है जैसे कुछ नहीं हुआ, देखी और भूल गए, लेकिन उसके लिए दरवाजा खोल दिया था। वो धीरे धीरे कुंडली लगाएगी, धीरे धीरे जकड़ेगी, आपको लगेगा इतना सब कुछ किया लेकिन क्यों अभी भी बरकत नहीं है, क्यों अभी भी जकड़ा हुआ हो, क्यों अभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्यों बार बार फेल हो रहा हो, क्यों बार बार निराश हो रहा हूं। कोई जीवन कैसे पड़ाव में समय में हमने कुछ द्वार खोले थे ये स्पिरिट को एंटर होने के लिए। आज समय है उस द्वारों को बंद करने का। फिर हम आपको टाइम देना चाहते हैं, काफ़ी बातें प्रभु ने आपके आगे रखी है, आपको ये समय गंभीरता से लेना है। अगर कहीं पर भी आपको लगता है स्पिरिट ऑफ पाइथन को, अजगर की दुष्ट आत्मा को, सांप की दुष्ट आत्मा को मैंने मेरे जीवन में अनुमति दी थी, ये समय है आप माफ़ी मांगे प्यारों, ये समय आपका है प्यारों, ये समय आपका है। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगे, आंखें बंद कर दीजिए प्यारों, गंभीरता से समय को लीजिए, दुआ में जाए, आप चाहो तो घुटनों पर, आप चाहो तो खड़े रहकर सोचिए मेरे जीवन में मैंने कहीं पर ऐसी दुष्ट आत्माओं को स्थान दिया था, अगर मैंने दिया था तो मुझे आज माफ़ी मांगनी है, प्रभु से कहना है प्रभु आप मुझे माफ़ करो, प्रभु मुझे आप क्षमा करो, ये स्पिरिट ऑफ पाइथन को, अजगर की इस दुष्ट आत्मा को मैंने कहीं पर भी साथ दिया, स्थान दिया, मौका दिया, प्रभु मैं आज माफी मांगता हूँ। आपने दुआ नहीं की, ये दुष्ट आत्मा उसके पीछे काम कर रही थी, स्पिरिट ऑफ पाइथन प्यारो आपको दुआ करने से रोकने के पीछे कोई सामान्य रीजन नहीं था, दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्माओं का अटैक है। आपने कई महीनों से दिनों से दुआ अगर नहीं की, इसे लाइटली मत लीजिए, ये दुष्ट आत्मा का अटैक है प्यारो, अवेयर हो जाए, उसने कुंडली मारना शुरू कर दिया है, जकड़ना शुरू कर दिया है, कभी भी वो आपको निगल सकता है, बड़ा नुकसान कर सकता है प्यारो। आज माफी मांगे कहे प्रभु से, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, प्रभु तू मुझे माफ कर। कहीं पर पवित्र आत्मा को जो पसंद था अगर आपने नहीं किया, उसे आपने बार बार अवॉइड किया, अगर उसे बार बार आपने नकारा है, आप माफी मांगे कहिए प्रभु से, आपकी पाक रुको, मैंने नकारा, उससे दुखी किया, मैं दूर गया, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, प्रभु तू मुझे माफ 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 कर। पवित्र आत्मा को आपके जीवन से दूर करने के पीछे ये दुष्ट आत्मा का काम था प्यारो, ये ऐसे जकड़ती है कि व्यक्ति का वृद्ध सांस चला जाए। यीशु मसीह के नाम से मुंह बंद करें, मुंह बंद यीशु मसीह के नाम में, मुंह बंद यीशु मसीह के नाम में, डिस्टर्बेंस ना चाहिए प्रभु यीशु के नाम में प्यारो। ये दुष्ट आत्मा का काम है आपके जीवन से वृद्ध को, सांस को छीनने का। ये पवित्र आत्मा को आपके जीवन से छीनती है प्यारो, ये पवित्र आत्मा को आपसे, आपके जीवन से दूर करने का प्रयास करती है। आपको प्यारो केयरफुल रहना है उन हर एक बातों से जो पवित्र आत्मा को आपके जीवन से दूर करते हैं, उन पापों से, उन आदतों से। ये इविल स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ पाइथन, जो पवित्र आत्मा से आपको दूर कर रही है, उन गलत कामों को करवा करवा के जो पवित्र आत्मा को दुखी करते, और वो आपका ब्रीद, वो आपकी सांस को निकाल रही है। माफी मांगे यहां मत देखे प्यारो, ये आपका टाइम है। अगर आपने आजू बाजू देखा आज बहुत इंपॉर्टेंट कुछ होने वाला है आपके जीवन में, आप मिस कर दोगे प्यारो। आपको खुद अपने लिए दुआ करनी है, प्रभु मैंने कहा स्पिरिट ऑफ पाइथन को अधिकार दिया था, उन बातों के लिए आप माफी मांगे। क्या से कोई स्थान पर आप गए जहां स्पेसिफिक ये चीजें थी, आप माफी मांगे। क्या आपने ऐसी स्पेसिफिक दुष्ट आत्मा को, स्पिरिट ऑफ पाइथन को पैसे दिए, उसके आगे झुके, बाउ डाउन किया, आप माफी मांगे। आप कहीं एस्ट्रोलॉजी में शामिल हुए, भविष्य देखना, ज्योतिष विद्या, भावी राशि, ग्रह, नक्षत्र,
क्या कहीं इन चीजों में आप शामिल हुए हो? माफी मांगे, आपने स्पिरिट ऑफ पाइथन को अनुमति दी आपके जीवन में काम करने की, क्षमा मांगे। प्यारो प्रभु कुछ तोड़ना चाहता है, बहुत गहरी जड़ों को प्रभु तोड़ना चाहता है आज, बहुत गहरी जड़ों को प्रभु आज तोड़ना चाहता है आपके जीवन से, और इसके प्रभाव को आप आने वाले दिनों में देखोगे। वो जो अभी तक आपको जकड़े रखा था वो आज आपको छोड़ने जा रहा है, लेकिन आपको माफी मांगनी है। हाय प्यारो, ये समय है आपके लिए, अगर आपको चेयर उठानी है उठा लो, घुटनों पर बैठना है तो बैठ लो, आज हम आपको टाइम देना चाहते हैं। प्यारो, ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना प्रभु के चरणों में जाकर कन्फेस करते हो और क्या माफ़ी मांगते हो। ये काम आपके ऊपर आधार रखता है, हमारी दुआओं तो बाद में काम करेगी, पहले आपके ऊपर आधार रखता है कि आज आप कितने डिलीवर होगे, कितने छुटकारा पाओगे, आपके जीवन में छिपी रीति से कहाँ कैसे ऐसी दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी और आप कैसे इससे छुटकारा पाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इस समय को गंभीरता से ले रहे हो या नहीं। आपको क्या करना है प्यारो, जैसे हमने आपको बताया, ऐसी कहीं पर भी आपने शैतान से एग्रीमेंट करी ऐसे कामों के द्वारा, आज आपको उसके लिए माफी मांगनी है। कहीं पर भी स्प्रिट ऑफ पाइथन को, अजगर की दुष्ट आत्मा को आपने अपने जीवन में स्थान दिया, मान दिया, सम्मान दिया, उसको पैसे दिए आपने, उसको आपने वर्शिप दी, उसके गाने सुने, उसका कुछ खाया आपने, आपको क्षमा मांगनी है। जल्दी फ्री होकर बैठ जाओ दुआ में प्यारो, यहाँ वहाँ टाइम मत बिगाड़ो, फटाफट फ्री होकर बैठ जाओ दुआ में, बैठ जाओ प्यारो और प्रभु से माफ़ी मांगो। आपको जहाँ लगता है मैंने कोई भी गलती ऐसी करी है, आज वो चीज़ को प्रभु जड़ों से उखेड़ने जा रहा है, कुछ प्रॉमिस वर्ड्स हम आपके लिए बोलने जा रहे हैं अभी, लेकिन पहले माफ़ी, पहले क्षमा मांगो, पहले कहो प्रभु से, प्रभु मैंने ऐसी कोई भी चीज़ में शामिल गिरी थी मेरी, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपने दुआ नहीं करी प्यारो, उसके पीछे ये स्पिरिट काम कर रही थी, स्पिरिट ऑफ पाइथन। जब पौलुस और प्रभु के दास दुआ के लिए जा रहे थे, तब ये स्पिरिट बीच में आ गए। आपको दुआ नहीं करने देना, वो शैतान का काम है, और आपने अगर उसमें हाँ बोली, उस काम में आपने शामिल हुए, उस काम को आपने नकारा नहीं, मतलब इस स्पिरिट को आपने मौका दिया अपने जीवन में आने का, आप माफी मांगे प्यारो, आप क्षमा मांगे, आप माफी मांगे। अगर आप पवित्र आत्मा के कामों को नकारते आयो, उसकी आवाज को नकारते आयो, उसने आपको जो कहा वो नहीं किया, ये स्पिरिट का काम है, ये दुष्ट आत्मा का काम है, प्रीत को, पवित्र आत्मा को आपके जीवन से निकालना चाहती है, उनसे आपको दूर करना चाहती है प्यारो, अब माफी मांगे, क्षमा मांगे। अब मूवमेंट बंद कर दीजिए, अब सिर्फ बैठ जाए दुआ में, सिर्फ दुआ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अब जैसा है वैसा रहने दीजिए प्यारो, कहीं पर डाइवर्ट मत हो, माफी मांगे। जहां कहीं आपको लगता है मैंने इन बातों में शामिल होकर प्रभु को दुखी किया और साथ में स्पिरिट ऑफ पाइथन को, इस स्पेसिफिक दुष्ट आत्मा को जीवन में मौका दिया, प्रभु से माफी मांगे प्यारो। कुछ समय हम आपको देना चाहते हैं, ये आपका समय है प्यारो, आप याद कीजिए, पाप क्रू आपको याद दिलाए, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाए, पवित्र आत्मा आपको बताए कहां कैसे ये स्पेसिफिक दुष्ट आत्मा को आपने स्थान दिया था, क्या आपने भविष्य देखा था, क्या आपने किसी को रेखाएं बताई हाथ की, क्या आपने राशि देखी, ग्रह देखे, नक्षत्र देखे, ये स्पिरिट ऑफ पाइथन को आपने एंटर होने के लिए मौका दिया प्यारो, आपने जीवन में प्राइड आने दिया, ये दुष्ट आत्मा का काम था। आप पैसों के पीछे भागो, ये दुष्ट आत्मा का काम था। पैसों के कारण प्रभु को आपने छोड़ा, ये दुष्ट आत्मा का काम था। इसको आपने अनुमति दी काम करने की, क्षमा मांगे। जो भी प्रभु की आत्मा आपको याद दिला रहे, प्रभु आपको ऐसे भयंकर दुष्ट आत्मा के प्रभाव से, जकड़न से
आज छुड़ा कर फ्रीडम फ्रीडम देने जा रहा है, लेकिन आपको माफी मांगनी है पहले। आप कन्फेस करे प्रभु से, कहे प्रभु हमारे बाप दादाओं ने भी शायद ऐसे कोई काम किए, हम माफी मांगते हैं। हमारे बाप दादा कहीं पर भी ऐसे कामों में शामिल थे, तो माफी मांगते हैं, क्षमा करिए प्रभु। अगर आप बैठे रहे प्यारो, दुआ नहीं करी, तो कोई आशा मत रखिए, आप जैसे आए वैसे जाओगे। ये सिर्फ ज्ञान लेना साबित होगा आपके लिए, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्षमा मांगे, अपने बाप दादाओं के लिए माफी मांगे, कहे प्रभु मैं मम्मी पापा के लिए, मेरे दादा दादी के लिए मैं माफी मांगता हूँ, माफी मांगती हूँ, क्षमा करे, क्षमा करे। मैं मेरे परिवार के लिए माफी मांगता हूँ। पवित्र आत्मा आपको रिवील करे, आपको बताए कहाँ कैसे आपने ये स्पेसिफिक दुष्ट आत्मा को स्थान दिया था। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाए, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाए, चाहे सालों पहले भी आपने ऐसा कुछ किया था, या तो आपके बाप दादा पूर्वजों ने किया था। पवित्र आत्मा आज आपकी आंखें खोल दे, आपको पवित्र आत्मा रिमाइंड करवाए, याद दिलाए, याद दिलाए, याद दिलाए। पवित्र आत्मा हो पाखरु, आप अपने बच्चों को याद दिलाए, आपके बेटे बेटियों को याद दिलाए। और डीप डिलीवरेंस यहाँ पर हो रहा है प्यारो, डीप डिलीवरेंस यहाँ पर हो रहा है, डीप डिलीवरेंस यहाँ पर हो रहा है प्यारो। ओ पवित्र आत्मा आज उस शैतान के सिर को कुचड़ने जा रहे हैं, उसको उसको आपके पैरों तले रौंदने जा रहे हैं, आज आपको छुड़ाने जा रहे हैं। वो जकड़न जो आज तक आपको महसूस होती थी, वो जकड़न से आज आप रिहा होने जा रहे हो। माफ़ी मांगते रहे, माफ़ी मांगते रहे। ओ फिक्र मत करे प्यारो, थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन आपका जीवन बच जाएगा। ये बहुत डेंजर दुष्ट आत्मा है, बहुत खतरनाक दुष्ट आत्मा, स्पिरिट ऑफ पाइथन, अजगर की दुष्ट आत्मा, सांपों की दुष्ट आत्मा, वो आपके जीवन में भयंकर काम कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं प्यारो। आप विश्वासी भी भले रहे, आप प्रभु में भी भले आ गए, लेकिन ये दुष्ट आत्मा को आज तक आपने पहचाना नहीं था, वो तो काम कर रही थी, वो तो काम कर रही थी लेकिन हमने नहीं पहचाना। वो आपको दुआ से रोक रही थी लेकिन आपने नहीं पहचाना। वो बार बार आपसे ऐसे काम करवाती थी कि पवित्र आत्मा दुखी हो, लेकिन आपने नहीं पहचाना। वो आपको पैसों के पीछे भगाती थी, आपने नहीं पहचाना, लेकिन आज प्रभु ने उसको रिवील कर दिया, आपके आगे खोल कर रख दिया। आपको माफी मांगने कहना है, प्रभु तू माफ कर, माफ कर, माफ कर, माफ कर। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज याद दिला रहा है, प्रभु माफी मांगे। बाबा बारा ला बारी खाना मशेरियो खोरो लो बोरे पैदे बाबा बारा ला से मैंने मेरे लिए खोरो लो बोरे बेने में सिखा था रा ला बारा बा रियो खोरो लो बोरे बेने में मैंने में सिखे रियो थोरो लो बोरे बेबे बेने में मामा रा खोरो बदे में सिखे। इसी कारण प्यारो विश्वासियों के डिलीवरेंस नहीं होती, क्योंकि ऐसी दुष्ट आत्माओं के विषय में वो अज्ञान होते हैं। प्रभु का वचन कहता है तू सत्य जानेगा और सत्य तुझे फ्री करेगा। आज प्रभु ने आपको रिवील किया है, प्रकट किया है, और ये सत्य आपको फ्री करेगा। सुनिए ध्यान से प्यारो, जब पौलुस का एनकाउंटर हुआ, आमना सामना हुआ स्पेसिफिक स्पिरिट के साथ, स्पिरिट ऑफ पाइथन के साथ, अजगर की दुष्ट आत्मा के साथ, वहां लिखा है परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि इसमें से निकल जा, और वह उस घड़ी निकल गए। हालेलुया, पौलुस तंग आ गया, ये दुष्ट आत्मा क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ रही है, क्यों बार बार मुझे परेशान कर रही है। और उसके अंदर एक स्पिरिचुअल गुस्सा और दुख आया, और उससे भरकर तंग आकर उसने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और कहा, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, मेरे
रास्ते से तू दूर हो, इस लेडी को, इस जीवन को छोड़कर निकल जा। और प्रभु का वचन कहता है वो बहन, वो दासी उसी वक्त फ्री हो गई। आज आपको यही करना है प्यारो, कि आप चलाना चाहते हो, ये दुष्ट आत्मा के साथ जीना चाहते हो, वो कुंडली मारती रहे आप मारने दोगे, वो काम करती रहे आप करने दोगे, क्या करूं नहीं होती है प्रेयर, क्या करूं प्रभु के मार्ग में नहीं चल पा रहा, क्या करूं मैं पवित्र आत्मा को दुखी कर लेता हूं, क्या करूं पैसे नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा, संडे नहीं आऊंगा तो चलेगा, लेकिन घर की जिम्मेदारी है, क्या चलाओगे? इस दुष्ट आत्मा को आप कुंडली मारने दोगे, निगलने दोगे अपने आप को? पाउल दुखी हो गया, वो चला नहीं सका और उसने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वो वहां से निकल गए। आज आपको इसके प्रति असंवेदनशील बनना होगा। आज तक चलाया, लाइट ले लिया, नहीं होती दुआ कोई बात नहीं, प्रभु को नहीं पसंद था, पवित्र आत्मा को नहीं पसंद था, कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन आज से ये नहीं चलेगा, ये आपको कहना है। आज से ये स्पिरिट ऑफ पाइथन अजगर की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे कोई मौका नहीं देना चाहता, आज तुझे मैं डिक्लेयर करता हूं मेरे जीवन पर, मेरे शरीर पर, मेरे परिवार पर, मेरी नौकरी पर, मेरे आत्मिक जीवन के खिलाफ, मेरे पैसों पर, तुझे कोई अधिकार नहीं है, यीशु मसीह के नाम से आज तुझे निकलना है, निकलना है, निकलना है, निकलना है। आपको कहना है प्यारो, आपको उसे डांटना है, आपने माफी मांगी है, अब क्या करना है आपको? आपको उसे नकारना है, आपको कहना है बहुत हुआ, इनफ इज इनफ, अब बहुत हुआ, अब मैं नहीं चलाऊंगा, अब मैं नहीं चलाऊंगा। आज यीशु मसीह के नाम से स्पिरिट ऑफ पाइथन, सांप की दुष्ट आत्मा, अर्जगढ़ की दुष्ट आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देती हूँ मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, थोड़ो 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 मांगे 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 मांगे, कहे 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 कहे, यीशु मसीह के नाम से स्पिरिट ऑफ पाइथन, अजगर की दुष्ट आत्मा, सांप की दुष्ट आत्मा, मेरे परिवार से दूर हो, मेरी नौकरी के विरुद्ध से दूर हो जा, मेरे बिजनेस के विरुद्ध से दूर हो जा, तू मुझे जकड़ नहीं रख सकती, तू मुझे बांध नहीं रख सकती, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे डांटता हूं, दूर हो, दूर हो, दूर हो, दूर हो, छोड़ छोड़ और जा, छोड़ और जा, छोड़ और जा, यीशु मसीह के नाम पे, कहीं यीशु मसीह के नाम में स्पिरिट ऑफ पाइथन अजगर की दुष्ट आत्मा के छिपे काम मेरे जीवन से निष्फल हो। स्पिरिट ऑफ पाइथन अजगर की दुष्ट आत्मा के, सांप की दुष्ट आत्मा के, मेरे प्रेयर लाइफ के विरुद्ध, प्रार्थना के जीवन के विरुद्ध जो काम हो निष्फल हो। अजगर की दुष्ट आत्मा के, स्पिरिट ऑफ पाइथन के, सांप की दुष्ट आत्मा के, जो भी काम मुझे पाप में गिराने के लिए उसने कर, उसने प्लान किए हो, वो निष्फल हो, निष्फल हो। पवित्र आत्मा से मुझे दूर ले जाने के लिए ये दुष्ट आत्मा ने जो काम किया वो निष्फल हो मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम पे, यीशु मसीह के नाम पे, हालेलुया, 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 री बाबा बाना नमस्ते खेरियो थोरो लो परे पे। ओ प्रभु की आग में उस शैतान के कामों को आज जलाया जाए आपके जीवन से। सुनिए ध्यान से प्यारो, पौलुस माल्टा नाम के एक टापू पर गया था, और जब पौलुस वहां पर गया, वहां लोग बैठे हुए थे, और अचानक से एक सांप उसके हाथ पर आकर गिरा, और वो बहुत जहरीला सांप था, और लोगों ने जब वो सांप को पौलुस के हाथ पर देखा, वो मान उन्होंने मान लिया कि ये गया, यह मर जाएगा, इतना जहरीला ये सांप है। लेकिन पौलुस ने वो हाथ पर जो सांप था उसे झटक दिया और उसे अग्नि में फेंक दिया, और वो जलकर मर गया, और पौलुस को वो कोई नुकसान न कर पाया। हालेलुया, सांप एक चीज से डरता है, सांप की दुष्ट आत्माएं भी एक चीज से डरती है, सांप आग से डरता है, सांप आग से डरता है,
आग के आगे उसका कुछ नहीं चलता, आग ही है जो उसे जला सकती है। और ये स्प्रिट ऑफ पाइथन को, अजगर की दुष्ट आत्मा को अगर कोई जला सकता है तो वो पवित्र आत्मा की आग है, वो पवित्र आत्मा की आग है, वो पवित्र आत्मा की आग है, वो पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर ऐसी उतरे कि हर एक शाप के बंधन, हर एक स्प्रिट ऑफ पाइथन के बंधन, शाप की दुष्ट आत्मा के बंधन, अजगर की दुष्ट आत्मा के बंधन आपके शरीर, जीवन, आत्मा, प्राण, शरीर, परिवार सभी के ऊपर से छल जाए। मांगे प्रभु तेरी आग है, तेरी आग है, ओ पवित्र आत्मा आपकी आग है, आज मेरे जीवन पर ऐसी उतरे कि ये सांप को जला दिया जाए, ये सांप को जला दिया जाए, सांप के छिपे कामों को चला दिया जाए, सांप के छिपे प्रभाव को चला दिया जाए। मैंने प्रार्थना के जीवन के ऊपर से ये सांप की दुष्ट आत्मा को चलाया जाए, ओ मेरे आत्मिक जीवन के ऊपर से ये सांप की दुष्ट आत्मा को पाखरू की अग्नि में चलाया जाए, ओ मेरे फाइनेंस के ऊपर से, मेरे नौकरी के ऊपर से, ओ मेरे बिजनेस के ऊपर से, ओ मेरे परिवार के ऊपर से पवित्र आत्मा की आग ऐसी उतरे कि ये सांप को, ये स्प्रिट ऑफ पाइथन को, अजगर की दुष्ट आत्मा को चलाया जाए। ओ हालेलुया, हालेलुया, रिबा बाबा नाना मारा ला बारा बाबा बाबा रा रा, फायर मांगे, फायर मांगे, फायर मांगे, फायर मांगे, ओ पाखरू की फायर, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग, ओ मांगे 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 मांगे, ओ होली स्पिरिट आपकी फायर, आपकी फायर, आपकी फायर, आपकी फायर, आपकी फायर, ओ इनके ऊपर उतरे, इनके ऊपर उतरे, पीढ़ियों से किसी भी प्रकार की इविल स्पिरिट ने, अजगर की दुष्ट आत्मा ने, ओ सांप की दुष्ट आत्मा ने इनको छकड़े रखा है, पाखरू की आग में वो दुष्ट आत्मा इनके जीवन से निकल जाए, चल जाए, पशवा हो जाए। पापा राना ना मारा लबा शेखेरे ओ थोरो लो बोले बे री पापा राना ना मशेरी अंदारा लबा रा बारा बा मागे 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 प्यारो, आपको और आग की जरूरत है प्यारो, जितनी आग आपके जीवन पर होगी उतनी ये स्पिरिट ऑफ पाइथन, अजगर की दुष्ट आत्मा, सांप की दुष्ट आत्मा आपसे दूर भागेगी। ये आपको आग को आपको कम होने नहीं देना है, पाखरू की आग को आपको कम होने नहीं देना है। प्रभु से कहे प्रभु मुझे और आग चाहिए, प्रभु मुझे और आग चाहिए। हम ये दुआ में जाएंगे, उससे पहले ये दुआ मैं करवाता हूँ, मेरे पीछे पीछे दुआ को बोलिए, जब मैं मेरा नाम बोलता हूँ आप अपना नाम बोलिए, उसके बाद मैं वर्शिप टीम से रिक्वेस्ट करूंगा ताजे तेल से अभिषेक कर, ये गाना हम गाएंगे और पवित्र आत्मा की आग को हम मांगेंगे। लेकिन आज उससे पहले ये दुआ आप मेरे पीछे करिए, आखिरी कुछ मिनट्स हम दुआ में रहेंगे, फिर हम अपने अपने घरों पर विदा, घरों में विदा होंगे। प्यारो मेरे पीछे ये दुआ को आपको बोलना है, जहाँ मैं मेरा नाम क्रिस्टोफर बोलता हूँ आप अपना नाम रखिएगा और ये दुआ मेरे पीछे पीछे बोलेगा। प्यारे खुदा प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका बेटा क्रिस्टोफर आपके चरणों में आता हूँ, मैं मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, मेरे बाप दादा के लिए, मेरे पूर्वजों के लिए पापों की क्षमा मांगता हूँ, मैं मेरे हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, आपके परिवार के लोगों के नाम बोलो प्रभु, मैं मेरे मम्मी पापा के लिए प्रभु, मैं मेरे बेटों बेटियों के लिए, मेरे भाई बहन के लिए, मैं सभी के लिए माफ़ी मांगता हूँ। हमने कहीं पर भी इस स्पिरिट ऑफ पाइथन को, अजगर की दुष्ट आत्मा को, सांप की दुष्ट आत्मा को अवसर दिया, मौका दिया काम करने का, आप हमें माफ करिए। हमने दुआएं नहीं करी, हमें माफ करिए। हमने पवित्र आत्मा को दुखी किया, हमें माफ करिए। हमने ज्योतिष में शामिल हुए, हमने जादू टोने में शामिल हुए, हम ग्रह नक्षत्रों को देखा, राशि भविष्य को देखा, आप हमें माफ करिए। हम ऐसी जगह पर गए, ऐसे स्थानों पर गए, हमने अशुद्ध चीजों को खाया, अशुद्ध चीजों को पिया, आप हमें माफ करिए। हमारे पैसे ऐसी जगहों पर हमने डाले, आप हमें माफी दीजिए। जहां ये दुष्ट आत्मा थी वहां हम गए, आप हमें माफ करिए, आप हमें माफ करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम माफी मांगते हैं इस दुष्ट आत्मा से,
अजगर के दुष्टात्मा से, सांप की दुष्टात्मा से जुड़ी हुई कोई भी चीज हमने खाई है, पहरी है, देखी है, सुनी है, घर में लाए हैं, ओ प्रभु यीशु के नाम से प्यारे खुदा आप हमें माफ़ करिए, आप हमें माफ़ करिए, प्रभु यीशु के लहू में हमें धो दीजिए, हमें शुद्ध करिए। हम माफ़ी मांगते हैं हमारे बाप दादा पूर्वजों के लिए भी, वे भी कहीं पर इस सांप की दुष्टात्मा में, अजगर की दुष्टात्मा में शामिल हुए थे, उसके कामों में शामिल हुए थे। आप हमारे बाप दादाओं को क्षमा करिए, आप हमारे बाप दादाओं को माफ करिए, और आज हम सबको यीशु मसीह के लहू में पूर्ण रीति से धोकर शुद्ध करिए। कहीं पर भी कोई भी करार हमने अजगर की दुष्टात्मा के साथ किया हो, अधिकार दिया हो ऐसी दुष्टात्मा को, हम माफी मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन आज हम यीशु मसीह के नाम में घोषणा करते हैं, मैं क्रिस्टोफर, मैं यीशु का हूँ, मेरा परिवार यीशु का है, और मेरा सब कुछ यीशु का है। प्रभु यीशु मेरे प्रभु है, मेरे उद्धार करता है, और आज मैं उन हर एक दुष्ट आत्माओं को, अजगर की दुष्ट आत्मा को, सांप की दुष्ट आत्मा को मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे बिजनेस से, मेरे घर से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में नकारता हूँ, और मैं कहता हूँ ए दुष्ट आत्मा, अजगर की दुष्ट आत्मा, इस सांप की दुष्ट आत्मा, तुझे मुझ पर आज से कोई अधिकार नहीं है, तेरे अधिकारों को आज मैं यीशु मसीह के नाम में नकारता हूँ। आज से तुझे मेरे परिवार पर कोई अधिकार नहीं है, मेरे बच्चों पर कोई अधिकार नहीं है, मेरे हस्बैंड पर कोई अधिकार नहीं है, मेरी वाइफ पर कोई अधिकार नहीं है, मेरे फाइनेंस पर कोई अधिकार नहीं है, मेरी नौकरी पर कोई अधिकार नहीं है, मेरे बिजनेस पर कोई अधिकार नहीं है, मेरी हेल्थ पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में बोले, सांप की दुष्ट आत्मा, अजगर की दुष्ट आत्मा, ए शैतान, आज से मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं जाहिर करता हूँ, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, और जाने जाने में तुझे दिए हुए हर एक अधिकार को आज नकारते हुए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मैं तोड़ता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मैं अपने आप को, मेरे परिवार को, और मेरा सब कुछ उसे यीशु मसीह के नाम में तेरे अधिकार तले से फ्री करता हूँ, आराधना देता हूँ, बोले 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 आराधना देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, अजगर के दुष्ट आत्मा, श्राप के दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से दूर हो, मेरे परिवार से दूर हो, मेरी नौकरी से दूर हो, मेरे बिजनेस से दूर हो, मेरे आत्मिक जीवन से दूर हो, कहिए 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 यीशु मसीह के नाम पे, ओ हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। अगर आपने मांगा है तो विश्वास रखे, आज से उसका तुम पर कोई अधिकार नहीं है, आज से उसका तुम पर कोई अधिकार नहीं है, वो सब की दुष्ट आत्माएं भागी है आज, ओ यीशु मसीह के नाम पे, वो नाम सामर्थी है प्यारो, वो नाम सामर्थी है प्यारो। और प्रभु का वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार देता हूँ, खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम पे, और आज कही यीशु मसीह के नाम पे, हर एक अजगर की, हर एक श्राप की, दुष्ट आत्मा के प्रभाव को मैं यीशु मसीह के नाम में लुका 10:19 के अनुसार रौंदता हूँ, कुचलता हूँ, तोड़ता हूँ,
निष्फल करता हूँ। थाली बजा कर प्रभु का धन्यवाद करे। ओरी बाबा बाबा नाना मस्से खेरियो थोरो लो बरे बे। प्यारो इस समय है जैसे हमने कहा ये दुष्ट आत्मा का एटैक रूप वृद्ध उसे छीनना है, पाक रूप से आपको अलग करना है, क्योंकि उससे ही वो डरता है। जब तक पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर है वो आपको छू नहीं सकता। आज आपको प्रभु ने रिहा किया है, आपको इससे बने रहना है। पाक रूप की आग को चलाए रखे है, यही आग आपको उससे दूर रखेगी। आइए गाना गाए और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे और पाक रूप की आग की जरूरत है। माल्टा टापू में पौलुस ने वो सांप को झटक दिया, राग में डाल दिया। आज उसे झटकना है, राग में डालना है। पाक रूप की आग उसे आपसे दूर रखेगी। हालेलुया। ये गाने को गाए और अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले करे कि वो आपको और आग से भरे और सामर्थ्य से भरे। मांगे 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 प्रभु से, पाखरू आपकी आग, पाखरू आपकी आग।
अगला सेंटा कहता है तेरी इज्जत में करो, तेरी सच्चता में करो, मेरा उठना मेरा बैठना उसके द्वारा तेरा जलाल हो यीशु। अब कितने लोग आज कहना चाहते हो, आज से उस पाइथन की स्प्रिट को, उस सांप की दुष्टात्मा को, मैं मेरी ब्रीद को, मेरे सांस को, मेरी पाक रूह को मुझसे अलग नहीं करने दूंगा, मैं इज्जत करूंगा पाक रूह की, उनका कहा करूंगा, उनका कहा मानूंगा, मैं उनको दुखी नहीं करूंगा, मैं उनको दुखी नहीं करूंगा। कहिए पाक रूह, मैं ये इव स्प्रिट को स्थान न दूं, मौका न दूं, जो आपसे मुझे दूर करना चाहती है, मैं आपकी इज्जत करूं। हर रोज चलते बैठते उठते बैठते चलते फिरते हर रोज मैं पाक रूह आपकी इज्जत करूं। कहिए कहिए सत मैं करूं तेरी सच्चता बनी रहे, पाक रूह तेरी आग मुझ पर चलती रहे, ये कभी कम न हो। यही है जो आपको सांप की दुष्टात्मा से, अजगर की दुष्टात्मा से बचाए रखेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है प्यारो, उसे आप कुंडली न मारने दे, उसे आपको जीवन में काम न करने दो, अवेयर रहना,
एक दिन दुआ बंद हुई, ध्यान रखना उसकी कुंडली मारना उसने शुरू किया है। एक संडे गैप पड़ा, याद रखना उसने पाक रूप के कहे से आपको दूर करना शुरू कर दे। ये सिम्टम्स होंगे कि सांप की दुष्टात्मा, जगर की दुष्टात्मा आपके जीवन में प्रभाव डाल रही है। मैं ये नहीं कहता आपके अंदर है, मैं कहता हूँ प्रभाव डाल रही है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होते हैं, शैतान आपके अंदर तब तक शामिल नहीं हो आ नहीं सकता प्यारों, लेकिन वो प्रभाव डाल सकता है आपकी गलतियों के कारण। कहे प्रभु को हाथों को उठाकर, प्रभु आज से मैं केयरफुल रहो, आज से मुझे जागरूक रहने के लिए ते अनुग्रह दीजिए, मैं लापरवाह न रहूं, लापरवाह न रहूं इस अजगर की दुष्ट आत्मा के कामों से, लापरवाह न रहूं इस सांप की दुष्ट आत्मा के कामों से, उसे अनुमति न दो। प्यारे खुदा हम धन्यवाद करें, ताली बजा कर प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने आपको छुआ है प्यारो, प्रभु ने आपके जीवन में आज कुछ अद्भुत किया है, कुछ डीप किया है, कुछ गहरा काम आज हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा का ये काम आपके जीवन में जारी रहे और बढ़ता रहे प्यारो। आने वाले हर एक संडे आपके लिए ब्लेस होंगे, अद्भुत होंगे, मिस मत करिए। जो भी प्रभु आपको सिखाएगा कोई भी दासों के द्वारा, वो अद्भुत बातें होगी, वो गहराई की बातें होगी, वो आपके जीवन को सेम नहीं रहने देगी। प्रभु गहराई में जाकर काम कर रहे हैं प्यारो, पाकरू गहराई में जाकर काम कर रहे हैं, और ये गहराई में हो रहे काम का प्रभाव आप अपने जीवन में देखोगे। वो जो अभी तक आपके आपको जकड़ कर रखे हुआ था प्यारो, जो आपको बढ़ने नहीं दे रहा था प्यारो, उसके कामों को आज तोड़ा गया है। आप प्रमोशन देखोगे, आप बढ़ोतरी को देखोगे, आप ब्लेसिंग को देखोगे, कामों को बनते हुए देखोगे, कामों को होते हुए देखोगे, द्वारों को खुलते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आपके स्पिरिचुअल लाइफ रिस्टोर हो, आपकी प्रेयर लाइफ रिस्टोर हो, आप पाक रूप के प्रति संवेदनशील बनो, आप उन्हें दुखी करने वाले नहीं उनको खुश करने वाले बनो। ओ पाक रूप आपसे प्रसन्न हो, आपका चलना उठना बैठना ऐसा हो जाए कि पाक रूप आपसे प्रसन्न रहे, खुश रहे। हालेलुया, प्यारे खुदा आपका हम धन्यवाद करते हैं। जो भी काम आज आपने हमारे जीवन में किया है, और जो प्रभाव दुष्ट आत्माओं के थे, अजगर के दुष्ट आत्मा द स्पिरिट ऑफ पाइथन, उसके प्रभाव से आपने हमें फ्री किया है, छुड़ाया है, हम धन्यवाद देते हैं। उसकी गुलामी तले वापिस न जाए प्रभु, अवेयर रहे, जागरूक रहे, जब भी वो प्रभाव डालने का प्रयत्न करे, कुंडली मारने का प्रयत्न करे, जकड़ने का प्रयत्न करे, हम आपके चरणों में भाग कर आ जाए, पाकरू आपसे भरते रहे, ऐसा अनुग्रह पर होने दीजिए। हमारी दुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से है, आप कबूल करें प्यारे खुदा, यीशु मसीह के नाम में मांगते मिलकर कहे आमीन। प्रभु ने सिखाई हुई दुआ हम साथ मिलकर बोले, वाकाशमान हमारा बा, तारो राज्य आओ, सब आकाशमान तें पृथ्वी पर तुम्हारी इच्छा पूरी था, प्रभु यीशु की कृपा, परमेश्वर पिता का प्रेम और पाक रूह की फायर, आग आपके ऊपर बनी रहे, ताकि आप वो अजगर की दुष्ट आत्मा, सांप की दुष्ट आत्मा से सुरक्षित रहो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।